हेलो 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 व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। मुझे पता है आई एम लेट। ये एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुकना बस यार। ये लास्ट मिनट पे ना ये सारी सेटिंग्स वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज ये एक साथ दो चार जगह पे स्ट्रीम हो रहा है। तो मैं ज़रा इस कैमरे को चार्जिंग पर लगा देता हूँ, मतलब क्या है कि पूरी स्ट्रीम में अपने को दिक्कत नहीं देगा। ऑल राइट, ओके ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ गाइज, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हेलो 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 व्हाट्सअप, दिख रहा हूँ मैं? एम आई विजिबल नाउ? एम आई विजिबल? ओके जी, लेट मी चेक वंस। चलो दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइट कौन सी ब्लिंक कर रही है बोर्ड पे? बोर्ड पे कौन सी लाइट ब्लिंक कर रही है भाई? ये शायद शायद कैमरा की होगी, पता नहीं। ठीक है, शुरुआत करते हैं फिर। आवाज कम आ रही है, बता दो जो जो चीज दिक्कत आ रही है बता दो, ठीक करके फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, एक एक करके आ रहे, देखो सारे चैप्टर्स हम लोग करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस के साथ में। ठीक है, लाइफ प्रोसेस 25 मिनट हम लोग कर लेंगे, और मैं बहुत क्विकली हर एक चैप्टर को रिवाइज करूंगा। गोल यहां पर यह है कि हम जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि भाई यहां पर जितने भी अपने चैप्टर्स हम लोग क्विकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्विकली रिवाइज करेंगे, फटाफट 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 रिवाइज करेंगे। ओके, और हर एक चैप्टर के अंदर मैं तुमको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ करवाते जाऊंगा। ओके जी, ग्रेट। बस एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि अभी ना वी आर एट 423 के, क्या स्ट्रीम एंड होने तक वी कैन रीच टिल 4:30 के? ठीक है, ऑलमोस्ट 2 घंटे की स्ट्रीम रहेगी। मैं यार अपने नोटिफिकेशन तो ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कोई दिक्कत आ गई तो कोई ना कोई मुझे मैसेज कर ही देगा कि भैया दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो 4:23 के से क्या हम 4:30 के तक जा सकते हैं? और मैं तो भाई चाहूंगा कि हम पहुंच जाए, बिकॉज इसके बाद सोशल के लिए भी सेम चीजें आएंगी और मैथ्स के लिए भी सेम चीजें आएंगी, फिर अपनी 11th और 12th क्लास तो वही सेम। ओके जी, शुरुआत करते हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, इस अगले 2 घंटे की मैराथन के अंदर तुम्हें बिल्कुल डेडिकेट होके देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं चीजें काफी तेज करवाऊंगा, है ना, और हमको सबसे ज्यादा इस टाइम को यूटिलाइज करना है। ओके, ग्रेट, शुरुआत करते हैं। सो 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। वो सारी चीजें, वो सारी प्रोसेसेस जो हमारे लिए जीवित रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सिंपल, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सभी चीजें लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। ओके जी, ग्रेट। रेस्पिरेशन, है ना, खाने से एनर्जी बनाना। ओके, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिसीव एंड यूटिलाइज द फूड। ऐसी प्रोसेस जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, फूड को रिसीव करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, ग्रेट। क्यों न्यूट्रिशन जरूरी है? हम बोलते हैं कि यार ग्रोथ के लिए, है ना, रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज, मतलब हम खाएंगे नहीं तो ताकत कहां से आएगी, जान कहां से आएगी। सो वो सभी चीजें यहाँ पर न्यूट्रिशन में आती है। ओके, आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन होते हैं 2 टाइप के, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या, इसके अंदर आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हु कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, जिसके अंदर आते हैं अपने ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, वेरी गुड। और हीटरोट्रॉफिक में कौन आते हैं, हम इंसान। हमें खाना पकाना आता है, खाना बनाना नहीं आता, हम अपने अंदर खाने को उगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, हम है हीटरोट्रॉफ्स। हम हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसके अंदर भी 3 मोड्स हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक के अंदर आते हैं ह्यूमंस। होलोजोइक मतलब क्या, इसके अंदर प्रॉपर एक स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि खाना खाना फिर उसको पचाना। ठीक है,
फिर उसे एब्जॉर्ब करना, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना, और फिर जो भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना। ये आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, ये ह्यूमंस और अमीबा के अंदर हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सैप्रोफाइटिक की, आगे चलते हैं एक एक करके। ठीक है, सैप्रोफाइटिक की बात करते हैं। ठीक है, देखो, ऑप्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर, जो भी डेड और डीकेइंग मैटर होता है उससे जो भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड ऑप्टेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल फंगाई। पैरासाइटिक की बात करेंगे, पैरासाइटिक मतलब क्या, ये चोर होते हैं, खूनी नहीं होते हैं। मैंने बहुत बार समझा रखा है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मेरे अंदर मान लो एक राउंड वर्म रह रहा है, अज्यूम करो, ठीक है, तो वो मुझे मारेगा नहीं, पर वो मुझसे फूड ऑप्टेन करते रहेगा। सो इट विल ऑप्टेन द फूड फ्रॉम इट्स होस्ट, HOST, होस्ट, मैं उसके लिए होस्ट हूं, ठीक है, मुझसे फूड ऑप्टेन करते रहेगा लेकिन मुझे मारेगा नहीं। ओके जी, ग्रेट। फिर बात करेंगे होलोजोइक की, जिसके अंदर आते हैं हम क्या करते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, वो खाना पचता है और फिर हम लोग सुबह जो है वो जाते हैं। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस है ये फॉलो होती है ह्यूमंस के अंदर, जो फॉलो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये डेफिनेशन 8th क्लास तक बहुत सही थी मेरी जान, लेकिन अब 10th क्लास के अंदर अपने को तीन चीजें इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्या? द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चार चीजें हमको ध्यान रखनी, तीन नहीं चार चीजें हमने ध्यान रखनी है, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो चार चीजें हैं इनकी प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, खाना मतलब क्या, ये प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकोज और साथ ही साथ में बनता है ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज है इनका खाना, ये ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो ये हवा में छोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऐसे छोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पूरी प्रोसेस होती है। देखो, CO2 और H2O की रिक्वायरमेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनाता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो चाहो तो। आगे चलते हैं, तीन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, पहली बात। दूसरी चीज क्या होना है कि जो लाइट एनर्जी है ना, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी एंड जो H2O है, ठीक है, वो H2 और O2 में स्प्लिट हो जाता है ना, H2O जो है वो H2 और O2 में स्प्लिट हो जाता है। तीसरी स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा कि CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तीन स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस डिवाइडेड होता है। ओके जी, ग्रेट। अगर तुमने अपनी इस मैराथन को शेयर नहीं किया तो कर सकते हो दोस्तों के साथ में, ठीक है, जो बिल्कुल ही अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, मैं सच्ची में कह रहा हूँ। ओके, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्राना के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, चले आगे, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। देखो, हम बोल रहे हैं कि CO2 जो है वो प्लांट को चाहिए होता है, O2 जो है वो प्लांट छोड़ता है, तो कहां से छोड़ता है भाई? अगर मुझे कमरे के अंदर आना है तो मुझे एक दरवाजा चाहिए, वैसे ही एक प्लांट का दरवाजा क्या होता है, स्टोमेटा। इट इज द पाथवे थ्रू विच गैसेस एंड वाटर पास थ्रू द लीव्स। ठीक है, तो स्टोमेटा जो होता है ये ऐसा इस प्रकार की एक ओपनिंग होती है जिसकी मदद से जो भी आपका गैस होता है, पानी होता है, वो सब प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का बाहर निकलना, इसके अंदर CO2 का जाना, इसमें से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, सब ये स्टोमेटा रेगुलेट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पर ये क्लोज है। ओके जी, ग्रेट। इन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है, गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं, GURD, गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और ये बीच में है स्टोमेटल पोर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ओके जी, वेरी गुड। देखो, मेरे पास थोड़ा सा भी चैट पढ़ने का समय कम है, मेरा पहला गोल यह है कि भाई हर बच्चा जो है वो एटलीस्ट ये जितनी भी मैराथन के थ्रू अपना रिवीजन और अपना ये जो पूरा बायोलॉजी का सिस्टम है वो सॉर्ट कर ले। ठीक है, तो मेरा पहला गोल वो रहेगा। तो हम लोग चैट पर आएंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में, है ना, एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ कि भाई सही से तो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके जी, चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। बहुत सिंपल है, देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब क्या, हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले डाइजेशन के बारे में। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन का सिंपल सा मतलब है प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है जी, ग्रेट। ऑल दो ये जो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर मैं तुमको ये बहुत ईजी और बहुत क्विकली समझा दूंगा, मजा आएगा तुमको। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, जो डाइजेशन है इट स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। अगर सवाल आता है वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट, हम बोलेंगे इट स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। कैसे? देखो क्या होता है, जब हम लोग खाने को चबाते हैं, डाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करना। तो जहां पर भी कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर में कन्वर्ट हो रहा है वो डाइजेशन है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, चबाते हैं,
तो ये सारे दांत है अपने, दांत खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम रोटी निगल जाते हो, है ना, या फिर सब्जी निगल जाते हो, चबाते हो पहले, ठीक है। तो जो मुंह में सलाइवा होता है इट गेट्स मिक्स्ड विद द फूड। नाउ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ, व्हाई? बिकॉज़ जो खाने के अंदर स्टार्च होता है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड टू सिंपलर शुगर, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू सिंपलर शुगर, जिसको हम लोग माल्टोज भी बोलते हैं, मालदीव्स नहीं, माल्टोज भी बोलते हैं, ओके। तो स्टार्च जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। कहां गया लिखा है यहां पर, कहां गया? हाँ ये रहा, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज की मदद से क्या होता है, स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड टू माल्टोज और फिर सिंपलर शुगर इन माउथ। वेरी गुड, ग्रेट। अब क्या है, खाना हमारे पेट तक जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर खाने को पेट तक पहुंचाना है तो एक पाइप की जरूरत पड़ेगी, वो पाइप होता है ईसोफेगस, ठीक है, दैट पाइप इज कॉल्ड ईसोफेगस। सो बेसिकली मुंह से लेकर पेट तक पहुंचाने का जो काम है वो ये ईसोफेगस करेगा। ये ईसोफेगस के अंदर बस फूड की मूवमेंट होती है, है ना, यहां से खाना यहां तक पहुंचता है, यहां पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्स होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फॉलो करती है। किस टाइप का मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब कैसा, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, इस प्रकार से फूड जो हमारे पेट तक पहुंचता है। अब मेन डाइजेशन चालू होता है पेट में, ठीक है। पेट में होते हैं प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो तीन प्रकार के जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। पहला है HCL, दूसरा है म्यूकस और तीसरा है पेप्सिनोजन। ओके जी, ग्रेट। HCL क्या करेगा? सबसे पहली चीज, HCL के दो काम है। पहली बात तो जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये जो पेप्सिनोजन सिक्रीट हुआ है ना, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी HCL करता है। बात करते हैं म्यूकस की। अब देखो, सोचने वाली बात है कि भाई पेट के अंदर HCL है, ये तो बड़ा हानिकारक है। HCL जनरल लाइफ में इतना हानिकारक है, ये हमारे पेट में क्या कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पेट की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस HCL से, ठीक है। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है म्यूकस। सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम HCL, ओके। तीसरी हम बात करते हैं पेप्सिन की। अब ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है ये कन्वर्ट हो चुका है पेप्सिन में। तो इस पेप्सिन का क्या फंक्शन है? ये काम आता है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैं जानता हूं, पर पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में और ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। जहां पर भी कोई भी आपका न्यूट्रिएंट किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ग्रेट, क्लियर है बात। इन तीनों के फंक्शन हम लोगों ने देख लिए, आगे चलते हैं। अब खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना दो तीन अलग अलग जगहों से जो है वो जूसेस आते हैं, ठीक है। पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लिवर, है ना। कहां से आता है? लिवर से आता है बाइल जूस, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस आता है पैनक्रियास से। ओके, अब बाइल जूस का देखो क्या फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। मतलब क्या, बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल है, उसको छोटे 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 फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है बाइल जूस। क्लियर है बात। कहां से आ रहा है? लिवर से। कहां से आ रहा है? लिवर से। ओके, ग्रेट। फिर बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस की। पैनक्रियाटिक जूस कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रियास करता है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैनक्रियाटिक जूस कौन सीक्रेट कर रहा है? पैनक्रियास कर रहा है। आ कहां पर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में। क्या क्या है इसके पास में? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम देखो क्या है, प्रोटीन को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, है ना, ग्रेट। और दूसरा लाइपेज क्या करता है? जो इमल्सिफाइड फैट्स थे ना, जिनको हमने इमल्सिफाई कर दिया था, उनको फर्दर ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों ही जो है वो फर्दर वाले काम कर रहे हैं। ओके जी, शानदार। फिर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं अलग अलग, वो कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, इनके सिंपलर फॉर्म में, है ना। फैट्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। और प्रोटीन जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड्स के अंदर, ये इनके सिंपलर फॉर्म्स हैं। ओके जी, शानदार, आगे चलते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। ओके, इसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होता है, है ना। खाना इसके बाद कहां जाएगा मैं तुमको बताता हूं। देखो, अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही खाना यहां पर फाइनली पच जाता है, उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये विलाय करता है। सो बेसिकली विलाय जो है, दे आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जहां पर भी एब्जॉर्प्शन करना होगा ना, वहां पर तुम देखोगे कि सरफेस एरिया बढ़ाने की बात की जाती है। तो यहां पर भी जो विलाय होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होने वाला है? खाना एब्जॉर्ब होने वाला है। तो ये विलाय वहां पर प्रेजेंट होते हैं विच आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि क्या करते हैं, जो कि खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। प्लस अब तुम सोचो कि अगर एक फैक्ट्री है, वहां से बहुत सारा माल जो है वो ट्रांसपोर्ट करना, तो वहां पर बहुत सारे ट्रक्स होंगे। वैसे अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पच चुका, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, तो वहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ेगी ना, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए देखो, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स।
ठीक है, तो विलाय क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, प्लस वहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को इजी बनाती है। ठीक है जी, ग्रेट, खत्म बात। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसा कुछ काम नहीं है, जो भी पानी वानी है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, एंड जो भी वेस्ट है अनअब्जॉर्ब फूड है वो एनस की मदद से जो है वो बाहर निकल जाता है। डन, खत्म बात। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। व्हाट इज रेस्पिरेशन? बहुत सारे बच्चों को लगता है ये रेस्पिरेशन होता है। दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज ब्रीदिंग। ओके, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। खाए हुए खाने से, पचाए हुए खाने से एनर्जी को रिलीज करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके जी, ग्रेट। और ग्लूकोज अपना बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तभी हम लोग, तुम देखोगे कि जब भी किसी के एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हम उसको ग्लूकोज देते हैं कि ले ग्लूकोज पी ले। ठीक है, ग्रेट, आगे चलते हैं। अब ये डिफरेंसेस है बेसिकली, मैं तुमको मेन एक चीज समझा देता हूँ कि ये एक एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस है और ये एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। मतलब रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है और ब्रीथिंग सेल के बाहर होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ब्रीथिंग, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है रेस्पिरेशन। खत्म बात, डन। तुम ये बेसिक सा डिफरेंस पढ़ सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनएरोबिक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा ये होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में इसका पाथवे, जो कि मैं तुमको अगले 3 मिनट में समझाने वाला हूं। पाथवे याद करना बहुत सिंपल है, बस मेरे साथ भी बने रहना। देखो क्या होता है बेसिकली, खाना हमने पचा लिया, ठीक है, खाना हमने पचा लिया। अब जो ग्लूकोज है हमारे सेल पे गया, है ना, ग्लूकोज जो है हमारे सेल के पास में गया, ठीक है, तो ये रहा ग्लूकोज हमारे सेल के पास में गया। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, मैं बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज समझा रहा हूँ, एग्जाम के 2 दिन पहले, हम कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते, इसलिए इसको बेसिक लैंग्वेज में मैं तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो गया सेल के अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में इसको ले जाया गया और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया पाइरूवेट में। ठीक है, तो ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया पाइरूवेट में। अब चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, ये जो यहां तक की इतनी स्टेप है ये कॉमन है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो अगर इंग्लिश की पढ़ाई भी करनी है, फिर साइंस की पढ़ाई भी करनी है, तो पहली स्टेप तो कॉमन है क्या, बुक खोलना। वैसे यहां पर एरोबिक हो एनएरोबिक हो, पहली स्टेप तो कॉमन है क्या, कि ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा। अब यहां से चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि आप जब साइंस पढ़ोगे तो आप साइंस की चीजें पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश चीजें पढ़ोगे। वैसे यहां पर भी क्या होगा, देखो जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है तो क्या होगा, यहां पर दिखाया गया है, जब लैक होता है, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो क्या होता है, और तीसरा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्रॉपर तरीके से एबंडेंस में, तब क्या होता है। तो देखो जब एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का, ये जनरली यीस्ट में तुम देखोगे, तब वहां पर क्या होता है, इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है, एनर्जी यहां पर काफी कम बनती है ना, क्योंकि ये एनर्बिक रेस्पिरेशन है। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या, यहां पर क्या बनता है, CO2, वाटर और एनर्जी। यहां पर कोई इथेनॉल नहीं बन रहा है। यहां पर जो एनर्जी बनी है, ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो एनर्जी बनी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एनर्जी यहां पर बनी है। एक छोटा सा सवाल मैं तुमसे करता हूं, यहां पर कितने ATP एनर्जी बनती है और यहां पर कितने ATP एनर्जी बनती है, मुझे नीचे चैट में बताओ फटाफट से। ठीक है, फटाफट से बताओ। ओके जी, ग्रेट। तीसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये जनरली हम लोग देखते हैं जब हम लोग भाग दौड़ करते हैं, जैसे कि तुम मैराथन भाग रहे हो, तेज तेज भाग रहे हो, तो क्या हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉडी उतनी एनर्जी नहीं बना पा रही जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तुमको है। तो क्या होता है ना, कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में ही बॉडी एनर्जी बनाना चालू कर देती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, तभी तो तुम बहुत तेज से झांकते हो ना, क्यों, क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, है ना, पर ऑक्सीजन जो है इतना नहीं पहुंच पा रहा, लैक है ऑक्सीजन का, जिस कारण से क्या होता है कि ऑक्सीजन के लैक में ही बॉडी क्या करती है कि एनर्जी बना लेती है। तो एनर्जी तो बन जाती है पर उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बनता है। दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैम्प्स, इसलिए तुम देखोगे कि जब भी एथलीट्स वगैरह भागते हैं उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्यों, इसके कारण, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके जी, वेरी गुड। तो आई होप कि तुम लोगों ने कमेंट कर दिया होगा नीचे। ओके, आगे चलते हैं, क्लियर है बात। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बहुत ईजी है। हम अंदर एयर लेते हैं, ये जो हमारे लंग्स है वो फूल जाते हैं, नीचे होता है एक डायफ्राम, है ना, तो डायफ्राम नीचे मूव कर जाएगा। जैसे तुमने एयर छोड़ी, अब क्या हुआ, जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो ये डायफ्राम आपस से ऊपर आ जाएगा। रिब्स क्या करते हैं, अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है जी, शानदार, ग्रेट। अब देखो बेसिकली होता क्या है ना, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, मतलब इन शॉर्ट समझो, चलो वो भी छोड़ दो। बेसिकली हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है, हमको पता है कि CO2 बॉडी में से बाहर जाता है और ऑक्सीजन हमको जो है हम इनहेल करते हैं। बेसिकली हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, हम एयर इनहेल करते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, ये जो CO2 बना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये CO2 जो बना है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो हमारी बॉडी में बन रहा होता है, ये CO2 हमारे लिए क्या है, वेस्ट है, तो हमें इस बॉडी में से बाहर देखना पड़ेगा।
ध्यान से सुनना अब क्या होता है, बहुत मतलब मैं बात तुमको क्विकली समझाऊंगा पर मजा आएगा सुन के। अब देखो क्या होता है, हमारे सेल पे बन गया मान लो CO2, ठीक है CO2 बन गया, ओके जी ग्रेट। CO2 क्या है, वेस्ट है, इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये ब्लड की मदद से पहुंचेगा हमारे लंग्स तक, ठीक है। अब लंग्स में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई, इसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एज साइट ऑफ एक्सचेंज। क्या एज साइट ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, मतलब ये वो जगह है जहां पर डील होनी है। क्या होगा कि ब्लड में से CO2 बाहर फेंका जाएगा और जो हमने एयर इनहेल की थी ना, ये जो इनहेल की है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड के अंदर डाला जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो यहां से क्या होता है कि ब्लड लेके आता है ये वाला CO2, ठीक है, जो कि जाएगा इधर, है ना, और जो हमने एयर इनहेल की थी हमारे पर एल्वियोलाई में है, जो जाएगी ब्लड के अंदर, ठीक है। और यहां से जो है, अब देखो यहां से जो ब्लड आया था इसके अंदर क्या था, CO2 था, लेकिन यहां से जो ब्लड जाएगा इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्यों, क्योंकि हमने CO2 को जो है वो एल्वियोलाई के अंदर भेज दिया। अब फाइनली क्या होगा, देखो मैं तुमको बताता हूं, एल्वियोलाई के थ्रू फिर लंग्स के थ्रू फिर ऐसे ये बाहर निकल जाएगा। तो मैंने इनहेल किया, वहां पर साइड पर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, समझो साइड पर एक्सचेंज हो गया, CO2 आ गया, CO2 बाहर निकल गया, ठीक है, वेरी गुड। इस प्रकार से होता है CO2 का एक्सचेंज। ये देखो, सो बेसिकली ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, है ना। यहां पर क्या है, ये एल्वियोलाई जो है, ये देखो ये एल्वियोलाई, तो ये इस प्रकार का अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये नेजल पैसेज है, ठीक है। ध्यान रखना कि पहले फैरिंग्स आता है फिर लैरिंग्स आता है, ठीक है, पहले फैरिंग्स आता है और फिर लैरिंग्स आता है, ठीक है जी, ग्रेट। फिर हमने है ट्रैकिया, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो कि इसको मैं बोल सकता हूँ सी शेप रिंग्स है जो इसको कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। फिर देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सबसे पहले होते हैं ब्रोंकाय, ये डिवाइडेड है ब्रोंकायोल्स में, ठीक है, जिनके फर्दर टिप्स पर प्रेजेंट है एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये है बेसिकली कुछ ऐसा है, ब्रोंकाय है ना, ये है इसके ब्रांचेस ब्रोंकायोल्स और इनके टिप्स पर प्रेजेंट है एल्वियोलाई, ठीक है, ग्रेट। तो ये जो एल्वियोलाई है यहां पर जो है वो सारा साइट मतलब ये सारा एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है जी, ग्रेट। अब देखो, अब मैंने बात तो कर ली कि भाई ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ जाता है, अब ऑक्सीजन ब्लड में ट्रैवल कैसे करता है, तो ऑक्सीजन होता है डरपोक, ब्लड में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जो है वो मिक्स हो जाता है। ऑक्सीजन जैसे ब्लड में आता है, और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर किसके साथ ट्रैवल करेगा, आरबीसीज के अंदर ट्रैवल करता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ट्रैवल करता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, ठीक है। तो आरबीसीज के अंदर जो है ट्रैवल करता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन क्या करता है, आते से ही पट्टू है तो आते से क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है, क्या बन जाता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है जी। पूरे ब्लड में ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनकर ट्रैवल करेगा बढ़िया सा, जैसे ही साइट आ जाएगी जहां पर ऑक्सीजन को उतरना है, जैसे ही ऑक्सीजन का स्टॉप आ जाएगा वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा और एज ऑक्सीजन बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब तुम यही समझो कि इसने ये रेड ब्लड सेल्स क्या है, बस है, है ना, हीमोग्लोबिन क्या है, इसका पार्टनर है, सीट पार्टनर है, उससे मस्त गप्पे लड़ाते हुए जा रहा है, जैसे इसका स्टॉप आया उतर गया, ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं ब्लड की, ठीक है। तो एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सिंपल है, जिसमें आप बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हॉर्मोन्स सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हो, तो ये एक पेज की चीज़ है, मतलब दो मिनट लगेंगे, एक बार पढ़ लेना प्लीज, बहुत बेसिक बेसिक है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। दूसरी चीज़ ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्या, पर मैं तुमको बता देता हूँ, प्लांट्स के अंदर ना दो तरीकों से ट्रांसपोर्टेशन होता है, दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली, पहला है वाटर एंड मिनरल्स, है ना, वाटर एंड मिनरल्स, और दूसरा है फूड। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है जाइलम की मदद से, ठीक है जी, ग्रेट। एक बहुत ही वास्ट वेस्कुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फ्लोएम जो है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में फूड, ओके जी, ग्रेट। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ऊपर की तरफ भी फूड भेजता है और प्लांट के नीचे की तरफ भी फूड भेजता है, लेकिन जाइलम जो है ये सिर्फ पानी और मिनरल्स को सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में जो है वो भेज सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं नीचे कमेंट करके बताओ, ये कौन सा डायरेक्शनल है और ये कौन सा डायरेक्शनल है, दो वर्ड्स हैं, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, यूनी एंड, अब तुमको हिंट दे दी मैंने, ठीक है जी, ग्रेट। तो ध्यान रखना बस इतना कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में जाइलम हेल्प करेगा और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में फ्लोएम हेल्प करेगा। फूड बेसिकली कहाँ बन रहा है, अपनी लीफ की मदद, मतलब फोटोसिंथेसिस की मदद से। देखो, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो ट्रंक है, यानी कि जो ब्राउन पार्ट है मैं बोलूंगा प्लांट का, उसको खाने की जरूरत नहीं, उसको भी जरूरत है, पर वहां पर खाना बन नहीं रहा, खाना यहां पर बन रहा है लीव्स में, है ना। वहां से फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा वो ब्राउन पार्ट तक, बराबर है, और वो कौन करेगा, फ्लोएम करेगा,
ओके जी, वेरी गुड, बहुत शानदार, आगे चलते हैं, ये मैं तुमको समझाऊंगा आगे जाके, ठीक है. व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज बेसिकली स्पेशल फ्लूइड दैट इज एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू. ये एक बार तुम देख सकते हो, ठीक है. ब्लड के अंदर मेन तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, ठीक है. इनका काम क्या है देखते हैं फटाफट से, आ जाओ, ठीक है. प्लाज्मा क्या है? इट कंस्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, है ना, मतलब ऑलमोस्ट 55% ब्लड में यही होता है प्लाज्मा, है ना. प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? मेनली वाटर है, कुछ परसेंट प्रोटीन है, कुछ परसेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और कुछ परसेंट ग्लूकोज है. ये डेटा हर जगह पर अलग अलग होता है, तो तुमको डेटा पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ओके, ग्रेट. बात करते हैं आरबीसीज की. इनका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन देखो क्या है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना फ्रॉम द लंग्स. व्हाइट ब्लड सेल्स का डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? ये बेसिकली इम्यूनिटी में हेल्प करती है, ऐसा समझ लो. तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडीज होती है, जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती है ना, उनको फाइट करने में डब्ल्यूबीसीज हेल्प करते हैं, ठीक है. ब्लड प्लेटलेट्स जब तुमको लग जाती है ना, उसमें पपड़ी जम जाती है, वो क्या है? वो ब्लड प्लेटलेट्स है. बेसिकली ये ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ना, वो यही है, ठीक है. दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिससे कि क्या होता है, ब्लड रुक जाता है. अब तुम सोचो कि तुम्हारे घाव पर, अगर मतलब वो वाला घाव नहीं जो दिल टूट गया उसका घाव, उस घाव की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी लग जाती है, खरोच पड़ती है, तो वो जो खरोच पड़ी है उस पे अगर वो पपड़ी नहीं जमेगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो सोचो क्या होगा. तो बेसिकली क्या होगा कि खून तो रुकेगा ही नहीं, ये जो है वो खून को रुकने में हेल्प करता है. ओके, शानदार. अब हम बात करते हैं ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं, एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना, है ना. ये चीजें देखो, मैं अब ये चीजें पढ़ने लायक है, अगर इस पर हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो फिर जो मेन चीजें हैं वो छूट जाएंगे. तो ये मैं तुमको बोलूंगा कि एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना, ठीक है. अब हम बात करते हैं, हाँ ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड वेसल्स की. तीन टाइप की ब्लड वेसल्स हम लोग देखेंगे, फटाफट समझा दूंगा. आर्टरीज मतलब हार्ट की दुश्मन, वेन्स मतलब हार्ट की दोस्त, और कैपिलरीज मतलब जो कि मिलाव करने का काम करती है. आर्टरीज मतलब हार्ट की दुश्मन, क्यों? क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, ठीक है, इसलिए क्या है, ब्लड की दुश्मन, हार्ट की दुश्मन है. ओके, वेन्स मतलब क्या? हार्ट की दोस्त. क्यों? क्योंकि ये ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाने का काम करती है. ओके जी, शानदार. और कैपिलरीज मतलब क्या? यहां पर मान लो आर्टरीज है, यहां पर मान लो वेन्स है, इनके बीच का कनेक्शन का काम कौन करता है? ये कैपिलरीज करती है. सिंपल, ठीक है, क्लियर है बात? वेरी गुड, आगे चले, ग्रेट, आगे चलते हैं. अब बात करते हैं हार्ट की. सो बेसिकली अभी जो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले समझाया था कि हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो जाता है लंग्स तक, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है, और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल, एयर हमने इनहेल की थी, उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में आता है और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है. लेकिन उस रस्ते में बीच में पड़ता है हार्ट. हार्ट बेसिकली क्या है ना, मंदिर है, समझ लो तुम कि हार्ट क्या है, हार्ट मंदिर है. ब्लड क्या करता है? ब्लड लंग्स की तरफ जाते समय भी और लंग्स से आते समय भी हार्ट के दर्शन करके जाता है. कैसे, मैं तुमको समझाता हूँ, ध्यान से देखना. बेसिकली क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में से CO2, मतलब ब्लड ने क्या किया, CO2 को कलेक्ट कर लिया, ठीक है. अब ये जो CO2 वाला ब्लड है ना, पूरा का पूरा, ये CO2 वाले ब्लड को हम लोग बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है. तो हमारी बॉडी ने जो भी CO2 प्रोड्यूस किया है वो रेस्पिरेशन के बाद में, वो ब्लड के अंदर है, उस ब्लड को हम बोलेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे हार्ट के अंदर. हार्ट के अंदर कैसे आता है? देखो, अपर बॉडी पार्ट से आता है और लोअर बॉडी पार्ट से आता है. तो जो भी अपर बॉडी पार्ट से आता है वो है सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है ना, और जो भी लोअर बॉडी पार्ट से आ रहा है वो इन्फीरियर वेना कावा से आ रहा है. एक छोटा सा सवाल मैं तुमसे करूंगा, ये जो वेना कावा है ना, ये आर्टरी है या फिर वेन है? मैंने बोला था वेन्स होती हैं दिल की दोस्त, हार्ट की दोस्त. क्यों? क्योंकि ये ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है. वेना कावा क्या कर रही है? ब्लड को हार्ट के पास लेकर आ रही है. तो क्या ये आर्टरी है या फिर ये वेन है, बताना ध्यान से, ठीक है जी. तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर. बेसिकली हार्ट के अंदर ना चार चेंबर्स होती हैं. देखो, ये मान लो मेरा हार्ट है, इसके अंदर चार चेंबर्स होते हैं. ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है. ये एक हिस्से से जो है वो ऐसे बाइफर्केटेड है. यहाँ पर होते हैं वॉल्स, ताकि यहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो हो पाए, ठीक है. देखते हैं हम लोग आ जाओ. सो बेसिकली सबसे पहले ब्लड जो है वो आता है वेना कावा की मदद से राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है. अब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आने के बाद में जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर. यहाँ पर प्रेजेंट है एक, ये देख रहे हो, ये इसको वॉल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है. ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है राइट वेंट्रिकल से. फिर ये देखो, ये क्या है? ये है पल्मोनरी आर्टरी. नाम में ही दे दिया, पल्मोनरी आर्टरी. ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? यहां पहुंच गया वेंट्रिकल में. अब पल्मोनरी आर्टरी की मदद से जो ब्लड है वो पहुंचता है कहां पर? वो पहुंचता है लंग्स में, ठीक है. कहां जा रहा है वो? लंग्स में जा रहा है, ठीक है. गया लंग्स में. ये कौन सा ब्लड था? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था. तो लंग्स में क्या हुआ कि ये जो ब्लड है इसमें से CO2 बाहर फेंक दिया गया और वहां से ऑक्सीजन ले लिया गया. ओके जी, ग्रेट. अब लंग्स में ये जाके होके आ गया, लंग्स में होके आ गया. अब कैसा ब्लड बना है? अब ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है. ये ब्लड आता है वापस से हार्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स. ये देखो,
पल्मोनरी वेन्स की मदद से ये जो ब्लड है वो वापस से हार्ट के अंदर आता है। कहाँ आएगा? अब आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ये देखो कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर आयोटा की मदद से जो है ब्लड पहुंच जाएगा हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक। फिर से समझा रहा हूँ, सबसे पहले वेना कावा की मदद से, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखना, वेना कावा की मदद से ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी की मदद से वो जाता है लंग्स के पास में। ये कैसा ब्लड है? सारा का सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कहां गया? लंग्स के पास में गया। लंग्स के पास में जाने के बाद में प्यूरिफाई हो गया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अब लंग्स ने दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो कि आया हमारे लेफ्ट एट्रियम के पास में, वहां से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से किसकी मदद से, सॉरी यहां पर एक चीज रह गई, पल्मोनरी वेन, है ना, पल्मोनरी वेन, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर आयोटा की मदद से जो है वो हमारे पूरी बॉडी में जो है वो चलेगा। ये साइकिल फिर रिपीट होती रहेगी, फिर पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी, है ना, CO2 बनेगा, फिर वो वेना कावा की मदद से राइट एट्रियम में आएगा, और ये चलता रहेगा, ठीक है जी। ये होता है अपना हार्ट का काम। एक बार ध्यान रखना, आयोटा जो होती है इट इज दी लार्जेस्ट आर्टरी, बिगेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है, ग्रेट। अब देखो डबल सर्कुलेशन क्यों बोला गया है, बिकॉज एक साइकिल में ब्लड जो है वो हार्ट में दो बार आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके जी, शानदार, क्लियर है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो भी प्रेशर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स पर एग्जर्ट करता है हम उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं फटाफट से एक्सक्रीशन की, ठीक है, एक्सक्रीशन में पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखो क्विकली मैं तुमको समझाता हूँ कि हमारे प्लांट्स के अंदर पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, दो तरीकों से होता है। पहला होता है ट्रांसपीरेशन, ये रहा ट्रांसपीरेशन, दूसरा होता है रूट प्रेशर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रूट प्रेशर, ठीक है, क्विकली समझा देता हूँ क्या होता है। बेसिकली देखो क्या होता है ना, मान लो ये अपना पेड़ है, ठीक है, इसके अंदर पानी पानी प्रेजेंट है, पानी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बहुत ही बेकार डायग्राम बन रहे हैं, पर जस्ट कोप अप विद इट, ओके, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि गर्मी के कारण यहाँ से पानी निकल गया। क्यों, कैसे होती लाइन, कैसे होती है? एक आदमी आगे, मतलब बहुत सारे आदमी खड़े होते हैं लाइन में, पहला आदमी अगर जाएगा तो उसके पीछे वाला आगे आएगा, फिर उसके पीछे वाला आगे आएगा, है ना, लाइन में ऐसे ही होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, ये पानी का मॉलिक्यूल गया तो इसकी जगह पर ये आ गया, इसकी जगह पर ये आ गया, इसकी जगह पर ये आ गया, एंड सो ऑन, ऐसा होते गया, ऐसा होते जाएगा। अब देखो यहां से जो पानी ऊपर गया है यहां पर तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, बराबर, यहां पर क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, बराबर, यहां पर पानी नहीं है, तो अब क्या होगा, यहां पर पानी ज्यादा है, मतलब अपने सॉइल के अंदर पानी काफी ज्यादा है, और यहां पर पानी है ही नहीं, तो क्या होगा कि यहां पर पानी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अंदर, और इस प्रकार से जो है वो ट्रांसपीरेशन की मदद से पानी ट्रांसपोर्ट होता है। रूट प्रेशर की बात करते हैं, रूट प्रेशर की बात करेंगे, बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर पानी और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर, और सॉइल के अंदर भी पानी और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट जो है बड़ा चतरा है, ये क्या करता है कि अपनी एटीपी खर्च करेगा, एनर्जी खर्च करेगा, और सॉइल में से कुछ मिनरल्स अंदर ले लेगा, है ना, सॉइल में से क्या करेगा, मिनरल्स अंदर ले लेगा। अब देखो क्या हुआ कि अंदर मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, पानी का कम हो गया, बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन अभी भी उतना ही है, बराबर, तो बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, अंदर हो गया कम, क्योंकि अंदर मिनरल्स बढ़ गए। तो अब क्या होगा कि यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर पानी कम है, तो ऑस्मोसिस की मदद से हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, एंड इस प्रकार से पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर है बात? बस इतना ध्यान रखना कि ये क्या करता है, मिनरल्स खींचेगा ताकि अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, अपने आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से फिर पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये पानी नहीं खींच रहा, ये मिनरल्स खींच रहा है ताकि अंदर पानी को कम कर सके। ओके, ग्रेट। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। अब देखो और कुछ चीजें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन क्या है? इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन दिन के टाइम पे क्या होता है ना कि जो CO2 उन्होंने छोड़ा है उसी CO2 को वो लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि वो जनरली इतना बाहर निकलता नहीं, पर रात के समय में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है क्योंकि सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और रात में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, तो रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर बात करते हैं वाटर की, वाटर इज ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन। आगे चलते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में और क्या क्या होता है। तो बेसिकली गम्स, रेजिन्स, रबर, ये जो भी इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, है ना, ये सभी जो है प्लांट के एक्सक्रीशन में काउंट होते हैं, पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर समझना रोल्स किडनीज का और नेफ्रॉन्स का, ठीक है। सो बेसिकली ये अपनी किडनी होती है,
हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ना, वो ये किडनी फिल्टर आउट करती है। सो बेसिकली देखो क्या हो रहा है, ये आयोडाइन, ठीक है, ये आयोडाइन, इसकी मदद से क्या हो रहा है, देखो ब्लड आ रहा है किडनी की तरफ, जो कि कैसा ब्लड है, गंदा ब्लड है, जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा फॉर्म्स द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिकली क्या होता है, ये दो किडनीज हैं, ये जो राजमे की शेप की दिख रही है ना, ये किडनीज हैं, ओके। उसके बाद में ये है यूरेटर्स, किडनी के अंदर जो भी यूरिन फॉर्मेशन, बेसिकली क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो किडनी के अंदर जो भी यूरिन फॉर्मेशन होता है वो इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर की मदद से जाता है ब्लैडर में। अब ब्लैडर में जाके यूरिन स्टोर होता है, तब तक स्टोर होते रहेगा जब तक एक लिमिट नहीं पहुंच जाती। जब हमको बहुत जोर से सूसू आती है ना, उसका मतलब क्या है कि ब्लैडर फुल हो चुका है, टंकी फुल हो चुकी है, ओके, ग्रेट। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। यूरिन मतलब क्या, ब्लड के अंदर से सारी इंप्योरिटीज निकालना और उसको पानी में मिक्स करके बॉडी में से बाहर निकालना, क्लियर है बात। ये यूरिन है, यूरिन कैसे बनता है वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ध्यान से समझो कि हमारे इस किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन नेफ्रॉन्स का काम क्या है बेसिकली, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या होता है कि ब्लड जो है ना वो आता है किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे ही हमारा ब्लड जो है इस किडनी के अंदर घुसता है, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है, यहां पर प्रेजेंट है एफरेंट आर्टेरियोल। ध्यान से देखना, थोड़ी सी तुमको थिक दिखेगी, बराबर है। क्या होता है कि ब्लड आता है बहुत ही तेजी से, बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड आता है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होता है कि ब्लड जो है बहुत ही हाई प्रेशर से आता है। यहां पर बेसिकली पता है क्या होने वाला है, ब्लड बहुत ही तेज प्रेशर से आएगा। यहां पर प्रेजेंट है एक छन्नी, वो छन्नी नहीं होती जिससे कि हम छानते चीजों को, यहां पर प्रेजेंट है एक छन्नी। तो बहुत तेजी से ब्लड आया, जैसे ही वो इस छन्नी से टकराया, सारी जो इंप्योरिटीज थी ब्लड की वो बाहर निकल गई और अब ब्लड जो है वो क्लीन हो चुका है। ये होने वाला है, इतना ईजी, ठीक है। तो ब्लड यहां से आया एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड आया। ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये क्या है, ये है ग्लोमेरुलस। तो फटाक से बाहर से यहां पर ब्लड टकराया। अब यहां पर देखो क्या है, एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो भी कचरा है ब्लड के अंदर, जो भी वेस्ट है, उसको पास होने देगी, उसको पास होने देगी, और जो जो अच्छी चीज है ना उनको पास नहीं होने देगी। जैसे कि अपना ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट चीजें हो गए, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो गए, उनको पास नहीं होने देगी। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिर्फ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, गंदी वेस्ट जो है ना, उसको इसमें से फिल्टर आउट करती है, ओके। अभी ट्विस्ट है इसके अंदर, रुक जाओ दो मिनट, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इसको फिल्टर आउट कर देगी, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ग्रेट। तो ब्लड आया बहुत तेजी से, यहां पर टकराया, ये एक छन्नी की तरह काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ओके, जिसमें से जो भी गंदगी थी वो फिल्टर आउट हो गई। लेकिन अब पता चला, अब क्या हुआ कि यहां पर ब्लड ऐसे घूमा और फिर यहां से बाहर निकल रहा है ना, ये कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है, और आया कैसा था, इम्प्योर आया था। लेकिन ये जो यहां से जो भी वेस्ट थी वो बाहर निकल गई। लेकिन अब पता चला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली जो ये बाहर निकला ना, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे, ये देखो, क्योंकि ये फिल्टर आउट हो चुका है ना। लेकिन हमको बाद में पता चला कि भाई ये जो फिल्ट्रेट है ना, इसके अंदर मेरी कुछ कीमती चीजें जा चुकी है, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स, कुछ सॉल्ट्स, थोड़ा पानी, वो सब भी वो वेस्ट के साथ में बाहर निकल चुका है। तो अब उसे वापस अपनी बॉडी के अंदर लाना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो डस्टबिन में गलती से तुम्हारी कुछ बहुत कीमती चीज चली जाएगी, तो क्या तुम उसको फेंक दोगे या फिर उसको उसमें से निकालोगे ना बाहर? बस यही है कि समझो, यहां पर तुम्हारी कोई कीमती चीज चली जा चुकी है वेस्ट के साथ में, उसे वापस निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहली प्रोसेस जो मैंने तुमको बताई वो होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये हो गई। इसके बाद में होता है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ये देखो ध्यान से क्या हो रहा है कि ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है ना, ये जैसे ही नीचे जा रहा है, अब देखो ये जो अपने इफरेंट आर्टेरियोल है, इसका नेटवर्क, कैपिलरी का नेटवर्क कुछ इस प्रकार से दिया गया है ना, ताकि क्या हो कि ये जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट यहां पर अब है, जिसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, उनमें से हम इंपॉर्टेंट चीजों को रीअब्सॉर्ब कर सके, ठीक है, रीअब्सॉर्ब कर सके। तो ध्यान से देखो, दिस रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस सिलेक्टिवली अलाउइंग सब्सटेंसेस यूजफुल टू बी रीअब्सॉर्ब्ड। अब इसके अंदर जैसे कि क्या है, यूरिया है ना, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं, तो यूरिया को वापस रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे हम, सिर्फ कुछ प्रोटीन्स और सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट थे, पर वो इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आ गए हैं, है ना। तो यहां से सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा उन चीजों का जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है जी, ग्रेट, हो गया, वेरी गुड। अब क्या होगा, अब बेसिकली यहां से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। अब जो है ना, अब जो है फाइनली जो बाहर निकल रहा है वो वेस्ट है। तो ये देखो क्या हुआ, पहली बात तो यहां पर हमारा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो गया। फिर होता है हेनलीज लूप,
ये हेनलीज लूप में मेनली कुछ पानी और कुछ सॉल्ट जो है वो रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। फाइनली जो बॉडी से बाहर निकल रहा होता है वो होता है यूरिन। यूरिन मतलब क्या, यूरिया प्लस वाटर। अब सिर्फ सॉलिड यूरिया तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, तो यूरिया पानी के साथ मिक्स होकर बन जा रहा है यूरिन, है ना। अब ये जो है फाइनली ये यूरिन जो बना है ना, यहाँ पर देखो बहुत सारे ये कलेक्टिंग डक्ट है बड़ा सा, ये क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो हर एक नेफ्रॉन, यहाँ पर एक नेफ्रॉन है ना, यहाँ पर एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ पर एक नेफ्रॉन होगा, ठीक है, यहाँ पर एक नेफ्रॉन होगा। तो ये सारे नेफ्रॉन जो है यूरिन बना बना के इस कलेक्टिंग डक्ट में डालते हैं, ठीक है जी, क्लियर है बात। वैसा नहीं होता कि फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीन जो है वो प्रोडक्ट बना के एक ही बॉक्स के अंदर डाल रही है, वैसा ही है कि ये सारे नेफ्रॉन जो है वो अलग अलग, मतलब सारे नेफ्रॉन जो है यूरिन बना के इसके अंदर डाल रहे हैं, एंड फाइनली यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तीन स्टेप्स हैं, पहला क्या है, सॉरी दो स्टेप्स है, पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उनको रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा। ओके जी, ग्रेट, लाइफ प्रोसेस हो चुका है समाप्त, ठीक है, वेरी गुड। लाइफ प्रोसेस जो है वो हो चुका है समाप्त, क्लियर है बात। ओके, हेरिडिटी चालू करते हैं फटाफट, आ जाओ फटाफट, हेरिडिटी चालू करते हैं। ओके जी, एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है, एक बार सही से चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सीन चल रहा। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ओके सही है, सही चल रहा है, सही है भाई। अपने को 430 के तक पहुंचना है, वी हैव टू गो टिल 430 के। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बेसिकली हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है देख लो ध्यान से। हेरिडिटी मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स से ट्रेट्स को ऑफस्प्रिंग में पास करना इज नोन एज हेरिडिटी। जो भी हम लोग देखते हैं, हम बोलते हैं कि यार इसकी आंख इसके पापा जैसी है, इसकी नाक इसकी मम्मी जैसी, ये क्या है, ये सारे ट्रेट्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हुए हैं। ओके, ग्रेट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ऑलराइट, अब देखो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं और एक्वायर्ड होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब वो ट्रेट्स होते हैं जो कि, ठीक है, जो कि हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जैसे कि आंखों का कलर, नाक का शेप, बालों का शेप, ये सब हम लोग हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। दूसरे होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स जो कि हम हमारे लाइफ टाइम में सीखते हैं, जैसे कि साइकिलिंग है ना, जिमिंग, पेंटिंग, ये सभी कुछ, ये सब कुछ क्या है, ये सारे एक्वायर्ड ट्रेड्स है जो हम लोग हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। ओके जी, शानदार, आगे चलते हैं, क्लियर है बात। अब हम लोग मेन बात करेंगे फादर ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि अब हम लोग मेन दो चीज़ें के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, दूसरा है डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये चैप्टर के बाद में 2 मिनट का ब्रेक तुमको दूंगा, फिर हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली फादर ऑफ इनहेरिटेंस जो थे, इन्होंने जेनेटिक्स को स्टडी किया था कि कैसे ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, किस प्रकार से ये जो ट्रेट्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, पी प्लांट लिए। पी प्लांट क्यों लिया, जो हमारे मटर होते हैं ना, जिसको हम छीलते हैं और कभी कभी हमेशा मतलब खा जाते हैं मैक्सिमम टाइम पे, तो ठीक है। तो ये जो पी प्लांट है ये इन्होंने क्यों लिया, इसका कारण देखो, पहली बात तो इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, तो आप बहुत सारी जनरेशन को स्टडी कर सकते हो। दूसरा, बहुत ईजी होते ग्रो करने के लिए। तीसरा, the life span is short and they grow fast, okay, and many easily identifiable and contrasting characters are present. इनके अंदर बहुत सारे different characters present होते हैं, बहुत सारे different contrasting characters present होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर purple flower, white flower, tall plant, short plant, yellow seed, green seed, round seed, wrinkled seed, green pod, yellow pod, inflated pod, constricted pod. फ्लावर पोजिशन एक्सियल एंड टर्मिनल, तो ये अलग अलग टाइप के इसके अंदर ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। अब देखो दो प्रकार के ट्रेड होते हैं, एक होता है डोमिनेंट ट्रेड और दूसरा होता है रिसेसिव ट्रेड। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड का क्या मतलब है, डोमिनेंट मतलब वो ट्रेड होता है जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट होता है और खुद को एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव ट्रेड वो होता है जो हमारे अंदर प्रेजेंट तो होता है पर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, मतलब फादर से मान लो आया ब्लैक आई कलर और मदर से मान लो आया ब्राउन आई कलर, ठीक है, और अगर जो ऑफस्प्रिंग है उसका आई कलर ब्लैक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ब्लैक आई कलर है ना वो डोमिनेंट ट्रेट है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो ब्राउन आई कलर का ट्रेट भी है, पर कौन सा डोमिनेंट है, ब्लैक वाला, इसलिए वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मान लो कि एक टॉल पी प्लांट है और एक ड्वार्फ पी प्लांट है,
इनका ऑफस्प्रिंग जो है वो अगर टॉल है मान लो, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इसके ट्रेट्स नहीं है, है, पर क्या है कि टॉलनेस जो है एक डोमिनेंट ट्रेट है, इस कारण से जो प्लांट है वो टॉल दिख रहा है। ओके जी, वेरी गुड, क्लियर है बात, शानदार। तो दो प्रकार के ऐसे ट्रेट्स होते हैं, है ना। ये क्या हो गया, दो बार क्यों हो गया, हाँ ओके। अब देखो, अब कुछ चीजें क्विकली बताता हूँ। अब जैसे कि टॉलनेस है, टॉलनेस मान लो, टॉलनेस की जो जीन है, है ना, इसके अलग अलग फॉर्म्स। तो जैसे कि मान लो हाइट है, अगर मैं हाइट जीन की बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं हाइट के जीन की बात कर रहा हूँ, हाइट के जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये दो प्रकार की हो सकती है, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। सोचो, है ना। तो टॉलनेस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और ड्वार्फनेस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल टी से, ठीक है। फिर बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जो चीज़ें हमको दिखती हैं, है ना, जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, जो चीज़ें ऑब्जर्वेबल है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ प्लांट टॉल है, ये हमको दिख रहा है, सीड राउंड है, ये हमको दिख रहा है, ठीक है, सीड का शेप, सॉरी सीड का कलर ग्रीन है, हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जीरो टाइप की, ये मैं तुमको आगे जाकर समझाऊंगा, क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, दो मिनट में समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना बात को। ये मान लो है एक टॉल प्लांट, ठीक है, इसका कोड है मान लो कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप, जेनेटिक कोड, ठीक है। ये है एक शॉर्ट प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, इसका कोड है स्मॉल टी, ठीक है जी, ग्रेट। ये है कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, ओके, वेरी गुड। अब देखो क्या होता है ना, अब क्या होगा, गैमेट, मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन की बात होती है, ठीक है। सो बेसिकली आगे जो पास ऑन हो सकते हैं, उससे 50% पास ऑन हो सकते हैं, यानी कि पहले तो क्या करो, इसको गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कैपिटल टी है ना, स्मॉल टी, अगर कुछ भी एग्जाम में नहीं आता तो ये चीज फॉलो करना, ठीक है। ये इसका जेनोटाइप है ना। अब देखो गैमेट्स का क्या पॉसिबल है, कैपिटल टी, आगे से 50% पास ऑन हो सकते हैं। मतलब क्या, या तो ये कैपिटल टी पास ऑन हो सकता है, या फिर ये कैपिटल टी पास ऑन हो सकता है। यहां पर भी या तो ये स्मॉल टी पास ऑन हो सकता है, या फिर ये स्मॉल टी पास ऑन हो सकता है, ठीक है। यानी कि आगे से 50% पास ऑन हो सकता है, ठीक है जी, ग्रेट। अब देखो जो पहली जनरेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके जी, ग्रेट। तो ये जो कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी से मिल सकता है। मतलब बेसिकली इसके लिए तुम क्या करो, इसके लिए बना लो प्यूनेट स्क्वायर, क्या बना लो, प्यूनेट स्क्वायर बना लो, ठीक है। इसके गैमेट्स लिखो यहां पर, और इसके गैमेट्स लिखो यहां पर, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहां पर चार ऑफस्प्रिंग्स बनने की पॉसिबिलिटी है, और देखो चारों ही, चारों का कोड क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों का कोड क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है कि नहीं, वेरी गुड। अब ये चारों प्लांट्स कैसे होंगे, चारों होंगे टॉल, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर टॉलनेस का जो टॉलनेस यहां पर जो टॉलनेस का ट्रेट है वो प्रेजेंट है, बराबर है। और ये कैसा ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है, बराबर है। मतलब क्या, मतलब ये कि सारे जो प्लांट्स होंगे ना, चारों के चारों, चारों के चारों देखो यहां पर टॉल होंगे, बेसिकली इसने यहां पर दो ही दिखाए हैं, पर जितने भी प्लांट्स आपके बनेंगे F1 जनरेशन में, वो सारे के सारे टॉल होंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर एक डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, ध्यान से देखना, तो बनाता हूं मैं। फिर ये जो F1 के दो प्लांट्स थे ना, दोनों टॉल ही हैं, है ना, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया है ना, तो अब आगे सिर्फ 50% पास ऑन हो सकता है, तो ये बढ़ गया कैपिटल टी स्मॉल टी में, है ना, ये बढ़ गया कैपिटल टी स्मॉल टी में। अब प्यूनेट स्क्वायर बना दो, क्या बना दो, प्यूनेट स्क्वायर बना दो, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, ग्रेट। देखो जरा ध्यान से, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां पर देखो कि तीन प्लांट्स तो टॉल आए, लेकिन एक प्लांट ड्वार्फ आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेट या फिर जो कैरेक्टर पहली जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, वो दूसरी जनरेशन में देखो एक्सप्रेस हो रहा है। पहली जनरेशन में सभी टॉल थे, लेकिन देखो सेकंड जनरेशन में एक ड्वार्फ आ गया। मतलब क्या है, ट्रेट्स हिडन रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेट्स पास ऑन नहीं होते, ट्रेट्स बस हिडन रहते हैं, वो कभी ना कभी तो एक्सप्रेस होते ही हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में एक प्लांट आया ड्वार्फ, क्लियर है बात, वेरी गुड, शानदार, ठीक है। तो ये देखो F1 जनरेशन है, पहली जनरेशन है, इसमें देखो सभी कैसा है, टॉल 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 है, सभी टॉल है, बराबर है, ऑल ऑफ देम वर टॉल, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन
सॉरी ये अपना एफ टू जनरेशन है, सो सॉरी, ठीक है। तो अब हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे। फिनोटाइप मतलब क्या? अपीयरेंस। देखो अपीयरेंस वाइज एक दो तीन, तीन टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो ये हो गया मेरा फिनोटाइप रेशियो। कौन सा रेशियो? फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, वेरी गुड। मैं बात अगर करता हूँ जीनोटाइप की, तो देखो यहाँ पर इसका कोड सबसे अलग है तो मैंने इसको बोल दिया वन, इन दोनों का कोड सेम है तो सेम कोड के कितने अवेलेबल है? दो, तो वन इज टू टू, और इसका भी अलग कोड है तो इज टू वन, तो ये हो गया इसका जीनोटाइप रेशियो। क्या हो गया इसका? ये जीनोटाइप रेशियो का। जीनोटाइप मतलब क्या? जो कोड से रिलेटेड है। तो कैपिटल टी, कैपिटल टी सिर्फ एक है तो मैंने एक लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है तो मैंने दो लिख दिया, और स्मॉल टी, स्मॉल टी एक है तो मैंने एक लिख दिया, तो ये हो गया इसका जीनोटाइप रेशियो। क्लियर है बात? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की। डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? मोनोहाइब्रिड के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था। क्या लिया था? सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, सिर्फ एक ट्रेट लिया था। डायहाइब्रिड के अंदर हम लोग दो ट्रेट्स लेंगे। देखो यहां पर हम लोग बेसिकली सीड का शेप और सीड का कलर, ये दोनों कंसिडर करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया? एक राउंड और येलो सीड ले ली, है ना, और एक ड्वार्फ और ग्रीन सीड ले ली। ठीक है, क्या ले लिया? राउंड और येलो सीड ले ली, और ड्वार्फ और बोल सकते क्या ले लिया? ड्वार्फ और हम लोगों ने क्या बोल सकते हैं? ग्रीन सीड ले ली। ठीक है जी, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? गेमीट का पास ऑन होने वाला है ना, गेमीट्स पास ऑन होंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, यहाँ से भी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही पॉसिबिलिटी है। सोचो, यही पॉसिबिलिटी है, सोच के देखो एक बार, है ना। क्या देखो, यहाँ पर भी बना देता हूँ। ठीक है जी, वेरी गुड, यही पॉसिबिलिटी है, है ना, यही पॉसिबिलिटी है। ओके, अब एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी F1 जनरेशन बनाना। क्या बनाना? इसकी F1 जनरेशन बनाना। ठीक है, F1 जनरेशन में सभी जो आपके प्लांट्स आएंगे वो ऐसे आएंगे। प्यूनेट स्क्वायर बनाना, ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर बनाना, ऐसा करके एक प्यूनेट स्क्वायर बनाना। तुम देखोगे कि सभी जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सभी जो है ना आपके, सभी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, कैसे? ऐसे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है बात? F1 के सभी ऐसे आएंगे। अब हमने क्या किया? F1 मान लो ये एक F1 में एक बनाया और एक और ऐसा बनाया, ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे, हमने दो को उठा लिया। अब इनके बीच हम लोगों ने क्या किया? वही पॉलिनेशन करवाया, रिप्रोडक्शन करवाया। ठीक है, अब देखो मजा, अब देखो क्या मजा है। मजा ये है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ तो ऐसे कैपिटल आर कैपिटल वाई आ सकता है, या तो कैपिटल आर स्मॉल वाई आ सकता है, या तो स्मॉल आर कैपिटल वाई आ सकता है, या तो स्मॉल आर स्मॉल वाई आ सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं गेमीट्स की। सिमिलरली यही चार पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होंगी, सोच के देखो, है ना, यही चार पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होंगी। ये F2 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये चार पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है और ये चार पॉसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पर है। क्लियर है बात? क्या किया मैंने? प्यूनेट स्क्वायर में जो इसको पुट कर दिया। ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली इसका भी ये सेम आएगा, तो इसको यहाँ पर पुट कर दिया, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर करके जो है ये सारी की सारी मैंने F2 जनरेशन की पॉसिबिलिटीज लिख दी। ठीक है जी, ग्रेट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर तुम ना इसका फिनोटाइप रेशियो बता सकते हो। क्यों? देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है, तो नौ राउंड और येलो सीड्स हैं। ठीक है, एक दो तीन, तीन रिंकल्ड येलो सीड्स हैं। ठीक है, एक दो तीन, तीन जो है वो राउंड और ग्रीन सीड्स हैं, और एक जो है वो रिंकल्ड ग्रीन सीड है। तो ये है इसका फिनोटाइपिक रेशियो, बस अपीयरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरा डायहाइब्रिड क्रॉस का एक वीडियो देख सकता है जो मैंने हेरिडिटी के अंदर समझा रखा है, उसमें मैंने क्लियर कट समझा रखा है चीज़ों को। ठीक है, तो ये होता है फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है जी, ये होता है फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, तीन लॉज है इसके अंदर। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मैंने तुमको समझाया था कि कुछ जो एलील्स होते हैं, कुछ जो आपके ट्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे और रिसेसिव वालों को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब क्या है? मतलब अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये, मतलब 50-50 चांसेस हैं आगे बढ़ने के। ठीक है, 50-50 पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो एन ऑर्गेनिज्म हैज टू एलील्स फॉर ईच जीन, बट दे कैन ओनली पास ऑन वन। दोनों की इक्वल चांसेस है, ऐसा नहीं कि इसका ही चांस है और इसका ही चांस नहीं, दोनों की इक्वल चांसेस है, पर पास ऑन सिर्फ एक ही आगे होना है। जैसे कि हमने देखा था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी
तो कैपिटल टी या स्मॉल टी पास हो सकता है, और हमने दूसरा देखा था इससे भी कैपिटल टी या स्मॉल टी पास हो सकता है, एक बार में एक ही पास हो सकता है, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऐसा नहीं कि दोनों एक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने देखा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ऐसा नहीं कि इन चारों में से सिर्फ एक ही आगे पास ऑन होगा, ये शेप है, ये कलर है, दोनों ही चीजें इंडिपेंडेंटली आगे पास ऑन होगी। शेप के कारण कलर नहीं रुकेगा और कलर के कारण शेप नहीं रुकेगा, ऐसा नहीं होता, दोनों इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेट। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ह्यूमंस देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर 22 पेयर होती है ऑटोसोम्स की, ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होती है ना, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होती है। बचता है एक पेयर जो कि होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है, ग्रेट, क्लियर है बात। तो ऑटोसोम्स आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, बट द सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट। इन मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्स वाई, बेसिकली मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई और फीमेल के अंदर होते हैं एक्स एक्स, ठीक है, फीमेल के अंदर होते हैं एक्स एक्स, ठीक है। अब देखो कि सेक्स डिटरमिनेशन होता कैसे, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। क्या होता है कि अब मेल के पास में है एक्स वाई क्रोमोसोम्स और फीमेल के पास में है एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो ये चाहे ये वाला एक्स पास ऑन करे चाहे ये वाला एक्स पास ऑन करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पास ऑन तो एक्स ही होना है। जो डिपेंडेंसी है वो किधर है, इधर है, क्यों, क्योंकि देखो कुछ स्पर्म्स के पास में ना एक्स क्रोमोसोम है और कुछ स्पर्म्स के पास में वाई क्रोमोसोम है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये दो बार एक्स लिखने की बजाय मैं एक बार एक्स लिख देता हूं, क्योंकि बात तो एक ही है ना। अब अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आकर अगर इससे फ्यूज हो जाता है तो ये भी एक्स बन जाएगा एक्स एक्स, है ना। लेकिन अगर फिर से एक्स लिख देता हूं यहां पर, वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आके एक्स से फ्यूज होता है तो बन जाएगा एक्स वाई, अगर एक्स क्रोमोसोम वाला आके फ्यूज होगा तो बनेगा एक्स एक्स, मतलब एक फीमेल, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आके फ्यूज होगा इस एग से एक्स वाले एग से तो बनेगा मेल। तो बेसिकली इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द फादर कि वहां से कौन सा स्पर्म आ रहा है, अगर एक्स क्रोमोसोम वाला आ रहा है तो फिर तो मेल बनेगा, सॉरी फीमेल बनेगा, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ रहा है तो मेल बनेगा, क्लियर है बात, ठीक है। तो एज सच सेक्स डिटरमिनेशन किसी के हाथ में नहीं होता, है ना, ये किसी के हाथ में नहीं होता। अब भाई पता थोड़ी होता है कौन सा स्पर्म जाके फ्यूज करेगा, तो किसी के हाथ में थोड़ी ये चीज, ठीक है, वेरी गुड। फिर से एक बार समझा रहा हूं, मेल के पास में होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल के पास में होते हैं एक्स एक्स, अब फर्क नहीं पड़ता, है ना, दोनों ही एक्स है। तो जो अब डिपेंडेंसी वो किस पे है, एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर मेल क्रोमोसोम जो है, मतलब कौन सा स्पर्म आ रहा है उस पे अब चीजें डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर अब देखो यहां से एक्स, ठीक है, दोनों एक्स में लिख दे चलो, ठीक है, अगर ये वाला एक्स आके, मतलब कुछ स्पर्म्स है एक्स वाले कुछ स्पर्म्स है वाई वाले, अगर एक्स वाला आके एक्स से फ्यूज करेगा तो एक्स एक्स बन जाएगा, अगर वाई वाला आके एक्स से फ्यूज करेगा तो एक्स वाई बन जाएगा, अगर ये वाला आके इससे फ्यूज कर रहा है तो बन रहा है मेल, है ना, और अगर एक्स वाला आके फ्यूज करेगा तो बन जाएगा फीमेल, क्लियर है बात, इजी है, शानदार, वेरी गुड। अब जी अब एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ फिर से सही चल रहा है नहीं चल रहा, गिव मी अ मिनट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमने बढ़ा दिए सब्सक्राइबर्स, कितने कर दिए बताओ जरा मेरे को, 4:30 तक हमको पहुंचना है भाई, एक मिनट स्ट्रीम कहाँ गई मेरी, ये हैप्पी बर्थडे कौन विश कर रहा है मेरे को, है कौन बोला तुमको मेरा हैप्पी बर्थडे, मेरा हैप्पी बर्थडे था 11 फरवरी को, तब तुमने विश किया क्या मेरे को, अगर तब तुमने विश किया तो मैं मानूंगा, अगर तुम बिलेटेड करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, अभी पानी पी लो, तुम भी पानी पी लो फिर हम लोग। अच्छा जिसको डाई हाइब्रिड समझना है ना, मुझे पता है थोड़ा सा हम लोगों ने तेज भगा दिया, जिसको भी डाई हाइब्रिड समझना है मेरा प्लीज यार हेरिडिटी वाला वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने क्लियर कट समझाया हुआ है, मुझे लगता है कि अभी हमारा थोड़ा सा इसमें टाइम चले जाएगा डाई हाइब्रिड के लिए, देखो उसके अंदर मैंने बहुत ईजी तरीके से समझा रखा है, ठीक है, तुम्हारा 10-15 मिनट शायद एक्स्ट्रा जाएगा पर तुम पूरा समझ लोगे उसमें, है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डाई हाइब्रिड वाला वीडियो प्लीज एक बार देख लेना, हम लोग कंट्रोल स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल भी ईजी है, फटाफट हो जाएगा। इसके अंदर मेन तो ये है कि ब्रेन के फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, है ना, और अपना प्लांट्स के अंदर के हॉर्मोन्स और एनिमल्स के अंदर के हॉर्मोन्स, ठीक है। तो एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, काफी चिल्ला चिल्ला के मेरा गला जो है बैठ चुका है।
अच्छा बाय द वे मुझे एक बात कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा सिलेबस कितना कितना हो गया, जल्दी बताओ। फटाफट बताओ। किसका सिलेबस कितना हो गया? ओनली बायो लेफ्ट। अरे बाप ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, फुल ओनली केमिस्ट्री लेफ्ट, ऑलमोस्ट डन ब्रो। चलो फिर तो बहुत सही हुआ कि हमने ऐसे टाइप की मैराथन कर ली, ये तो फिर तो भाई गफला हो जाता। तीन तीन घंटे की मैराथन करते ना तो फिर बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक है जी, ग्रेट। तबाही बैच वाली भाई तो कंटेंट सेम ही है। अब तबाही बैच अपनी 2 महीने से चल रही है ना, उसके अंदर हम लोगों ने तुम समझो कि 2 महीने रगड़ के मेहनत की है, डिटेल्ड पढ़ाई की है उसके अंदर हम लोगों ने। ठीक है, तो उसके अंदर और सवाल भी किए हम लोगों ने आज या कल में, वो इलेक्ट्रिसिटी के वो जो क्वेश्चन है वो भी डलने वाले हैं। कैसी बात कर रहे हो यार हैं, अपन ने 2 महीने बिल्कुल रगड़ के मेहनत की उसके अंदर, तुमने भी मेहनत की है ना, राइट। चलो करते हैं शुरुआत फिर, करें शुरुआत फिर। इनफैक्ट हम लोगों ने तो कितने सवाल कर रखे हैं यार, कितने सवाल कर रखे हैं। ठीक है, ऑल राइट, करें शुरू। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। इसमें मैं तुमको रिकमेंड करूंगा एक बार कि चैप्टर पढ़ाने के बाद में खुद से प्लीज एक बार सारे हॉर्मोन्स को याद कर लेना, बिकॉज सारे जो हॉर्मोन्स हैं, जिसको देखो 2 मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं। पहली है डायहाइब्रिड क्रॉस की, जिसने भी डायहाइब्रिड क्रॉस जिसको भी समझ में नहीं आया है मेरा हेरिडिटी का वीडियो देखना, उसके अंदर पूरा समझा रखा है। दूसरी एक क्वेरी आ रही है कि भैया एक्सक्रीशन समझ में नहीं आया। ठीक है, एक्सक्रीशन समझना है, मैंने लाइफ प्रोसेस का एक पुराना वीडियो डाल रखा है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से समझा रखा है। 10 मिनट लगेंगे इसमें और इसमें लगेंगे 10 मिनट। अगर किसी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसको समझ में नहीं आया, वो यहाँ से जाके देख सकता है, जो पहली बार पढ़ रहा है। जो पहली बार नहीं पढ़ रहा उनको तो समझ मतलब उसको पता ही चल ही गया होगा। ठीक है जी, ग्रेट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 3-4 चीज़ें। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स क्या होता है और हार्मोन्स क्या होता है। ठीक है जी, फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ना कुछ जगहों पर बकवास बहुत दे रखी है, तो वो बकवास हम लोग स्किप करेंगे। देखो क्या है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस। इसका मतलब क्या है, शब्द छोड़ो तुम फीलिंग समझो। देखो क्या होता है कि ये बिल्ली है, अभी बिल्ली जो है, बिल्ली का रंग नहीं बदला, ठीक है, बिल्ली वही है, वो जो मैं एडिटिंग कर रहा था उस समय पर वो बिल्ली का रंग दोनों अपने आप बदल गए। तो बेसिकली बिल्ली चुपचाप बैठी हुई है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया से, वो मस्त बैठी है आराम से चिल कर रही है। उसके सामने आ गया चूहा, ये देखो ये रहा चूहा, वो चूहे ने उसको छेड़ दिया। अब क्या होगा, इन्वायरमेंट में एक चेंज हुआ, मतलब क्या, चूहा आया एंड उसके कारण इस बिल्ली का मूवमेंट हुआ। सो इन्वायरमेंट में चेंज के कारण क्या हो रहा है कि इस हमारे ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या भैया, पढ़ो ध्यान से, ठीक है, पढ़ो ध्यान से। स्टिमुलाई कहा गया हमारा, चलो वो तो स्टिमुलाई तो बहुत ईजी है, तुमको पता है। अब देखो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर के अंदर है क्या, हमारी बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स जो है वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड तरीके में काम करते हैं, है ना, कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। मतलब क्या, मतलब ये, अच्छा मेरे को एक सेकंड अभी याद है, कोई तो भी मेरे को एक मिनट, एक सेकंड, कोई तो भी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश कर रहा था। तुमको बहुत जल्दी हो रही है, तुमको बहुत जल्दी लगी पड़ी है। 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन है, पहला है नर्वस और दूसरा है केमिकल। ठीक है, हम लोग ह्यूमंस के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी देखेंगे और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड सब कुछ है। लेकिन प्लांट्स के केस में हम लोग सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन देखते हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास में ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। ठीक है, ग्रेट, ओके जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखो ये अपना नर्वस सिस्टम है। सो बेसिकली यहाँ पर हम 2 टाइप की नर्व्स वगैरह देखेंगे, ये रहा अपना ब्रेन और ये रहा अपना स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये रहा ब्रेन और ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। 2 प्रकार के नर्वस सिस्टम हम लोग देखते हैं इसके अंदर, हम लोग 2 प्रकार के नर्वस सिस्टम देखते हैं। पहला है CNS और दूसरा है PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ध्यान से देखना। ठीक है,
CNS के अंदर आता है अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. हर एक कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है ना? वो हेड ऑफिस मतलब क्या, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, फिर बात करते हैं PNS की. PNS मतलब क्या, उन हेड ऑफिसेस की ब्रांचेस. जैसे कि मान लो कि सैमसंग है, अज्यूम करते हैं उसका इंडिया का हेड ऑफिस मान लो दिल्ली में. ठीक है, अब हैदराबाद में भी उसका एक ऑफिस है, पुणे में भी उसका एक ऑफिस है, मुंबई में भी उसका एक ऑफिस है, वो सारी ब्रांचेस है. वैसे ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये अपना मेन ब्रांच है, मतलब ये अपना मान लो कि मेन हेड ऑफिस है. और PNS मतलब क्या, जो भी इसमें से नर्व्स निकल रही है ना, जो भी इसमें से नर्व्स निकल रही है वो सभी आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर. ठीक है, जो भी इनमें से नर्व्स निकल रही है वो सभी आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर. ठीक है जी, क्लियर है बात? वेरी गुड, क्लियर है बात? वेरी गुड. अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, है ना, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, स्पाइनल नर्व्स बुलाते हैं. तो PNS के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स है वो निकल रही है ब्रेन से, और जो स्पाइनल नर्व्स है वो निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से. क्लियर है बात? CNS के अंदर फिर से कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. PNS के अंदर कौन कौन आता है, जो कि इसमें से नर्व्स निकल रही है, ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल और स्पाइन से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स. ओके जी, अब यहां पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. PNS के अंदर और दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, क्या, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक. सोमैटिक नर्व्स जो होती है वो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है. वॉलंटरी एक्शन मतलब क्या, जो हम खुद से जानबूझ के कर सकते हैं. मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ, वॉलंटरी एक्शन है. मैं नाच रहा हूँ, वॉलंटरी एक्शन है. मैं खड़ा हुआ हूँ, वॉलंटरी एक्शन है. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वॉलंटरी एक्शन है. लेकिन दिल का धड़कना, ठीक है, डाइजेशन होना, ये सभी इनवॉलंटरी है. तो सोमैटिक जो होती हैं वो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करती हैं, जो ऑटोनॉमिक होती है वो इनवॉलंटरी को कंट्रोल करती है. ठीक है जी, ग्रेट, क्लियर है बात? इसके अंदर भी दो होता है, एक होता है सिंपैथेटिक मतलब ऑटोनॉमिक के अंदर, और दूसरी होती है एसिंपैथेटिक. इसकी वजह से देखो यहाँ पर दिया हुआ है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट रिस्पॉन्स. मतलब क्या है कि सिंपैथेटिक ना आपको किसी भी फाइट रिस्पॉन्स के लिए, किसी भी डेंजर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करेंगी. वही जो पैरासिंपैथेटिक होती है या फिर एसिंपैथेटिक होती है वो आपको रिलैक्स्ड और काम रखती है. फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूँ. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं CNS, इनमें से निकलने वाली नर्व्स आती है PNS में. ब्रेन से निकलने वाली होती है क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली होती है स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, एक मिनट, गिव मी अ मिनट. सही तो चल रहा है भाई, सही चल रहा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है. अभी हम लोग कितने पे पहुंचे हैं, वी आर एट 424. भाई अपने को 4:30 तक पहुंचना है, हम लोग अभी 4:24 पर ही हैं. ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं. PNS के अंदर आती है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. ये हो गया अपना. फिर इसके अंदर PNS के अंदर हमने और दो डिस्ट्रीब्यूशन देखे, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक. सोमैटिक मतलब जो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कर रही है, ऑटोनॉमिक मतलब जो इनवॉलंटरी कर रही है. ऑटोनॉमिक के अंदर भी दो हिस्से देखे, सिंपैथेटिक और एसिंपैथेटिक. आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं. देखो ये चैप्टर पूरा पता है क्या है, कि तुमने अगर गलती से जलती हुई कैंडल पर हाथ रख दिया तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा और बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है. हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है. ठीक है, इंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस. सो बेसिकली ये क्या है, ये है एक न्यूरॉन है. अब मैं तुमको बता दूं, देखो पूरी सीन, पूरा सीन क्या है, पूरी पिक्चर क्या है. क्या होता है, गलती से मान लो अगर आपने जलती हुई कैंडल पर हाथ रख दिया, है ना, आपने गलती से जलती हुई कैंडल पर हाथ रख दिया, तो क्या आप सोचते हो कि यार गरम लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है हटाओ नहीं हटाओ. अबे आप नहीं सोचते हो. अबे और आप क्या होता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. ठीक है, आप नहीं सोचते हो, गरम लगते से तुम हाथ हटा लेते हो. बराबर है, गरम लगते से ही तुम हाथ हटा लेते हो. मतलब क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है. कैसे एक्शन है, दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. सोचो, सोच के देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा. हम लोग बोलते हैं ना इसके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग है. रिफ्लेक्स मतलब क्या, मान लो तुम टेबल पर बैठे हो, गलती से पेंसिल नीचे कर गए, तुमने फट से पकड़ ली, बराबर, गिरने से पहले पकड़ ली, ये तुम्हारी रिफ्लेक्स एक्शन है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्सेस, राइट, वेरी गुड. तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में किस प्रकार से होते हैं, है ना, हमारे बॉडी में ऐसा क्या मैकेनिज्म चलता है जिससे कि हम फटाफट से वो हाथ निकाल पा रहे हैं कैंडल के ऊपर से, वो हमको देखना है. ठीक है, तो पहले तो ये न्यूरॉन के बारे में पढ़ो, एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी. न्यूरॉन देखो कैसा होता है, ये न्यूरॉन का शेप है, है ना, ये बीच में है न्यूक्लियस और ये है इसके डेंड्राइट्स. क्या है ये, दीज आर दी डेंड्राइट्स. ये जो बीच में तुम देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन. क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं. और इसके आखिरी में आती है नर्व एंडिंग. क्या आती है, नर्व एंडिंग आती है. ओके, अब बेसिकली देखो कि हमारी बॉडी के अंदर, है ना, हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन को रिस्पॉन्स दिया, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होती है. देखो ध्यान से, क्या होता है कि ये गरम गरम मान लो अपने कंटेनर को हाथ लगा लिया, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स. क्या प्रेजेंट होते हैं,
रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ये रिसीव कर रहे हैं, जो कि वो हीट या फिर वो पेन को रिसीव कर रहे हैं, फटाक से सेंसरी न्यूरॉन की मदद से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पास ऑन की जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक। कहाँ तक की जाएगी? फटाक से, जैसे यहाँ पर रिसेप्टर्स ने ये इन्फॉर्मेशन रिसीव की, ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से पास ऑन की जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक। अब देखो क्या है ना कि जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं वो जनरली हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करती है, क्योंकि ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना, वहां से रिस्पॉन्स लेना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तब तक हमारा हाथ जल जाएगा, इसलिए फटाफट से क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है ना। जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंची ना, यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होता है क्या, रिले न्यूरॉन। जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुंची रिले न्यूरॉन की मदद से, अब क्या होगा, देखो तुम सोचो एक बात कि मुझे गर्म लगा और मैंने हाथ हटाया, इसमें मेनली दो चीज़ों का हाथ है, पहला जहाँ पर मुझे गर्म लग रहा है वहाँ पर मैं सेंस कर पाऊँ, और दूसरा मेरे जो मसल्स हैं जो मुझे मूव करने में हाथ हेल्प करेंगे वो और इनके बीच में कनेक्शन हो। सोच के देखो, क्योंकि अगर जहाँ पर गर्म लग रहा है और जहाँ से मैं हाथ मूव करूँगा उनमें कोई कनेक्शन ही नहीं है तो फिर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, सोच के देखो, बराबर। तो ये वही कनेक्शन दिखाया जा रहा है। अब क्या है कि रिले न्यूरॉन की मदद से जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन हो रही है टू मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन जो है ये कनेक्टेड है इफेक्टर पे। इफेक्टर मतलब क्या, वो मसल आर्म का जिसकी मदद से आप हाथ को मूव करोगे, ठीक है। तो रिसेप्टर की मदद से आपने इंफॉर्मेशन रिसीव की जो कि सेंसरी न्यूरॉन की मदद से जो है वो जा रही है स्पाइनल कॉर्ड पे, वहां से एक रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमको हाथ हटाना है ना, तो वो यहां से मोटर न्यूरॉन की मदद से जाएगा इफेक्टर पर। इफेक्टर मतलब क्या, वो मसल जिसकी मदद से हम हाथ हटा पाएंगे, ठीक है। तो गरम लगा, हाथ हटा लिया, तो ये बीच में प्रोसेस हुई, पूरी प्रोसेस हुई, गरम लगा सेंसरी न्यूरॉन की मदद से गया इन्फॉर्मेशन वहां से रिले वहां से रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर, हाथ हटा लिया। अब ये जितने मैं बोल रहा हूँ ना उसके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही हो जाता है, फट हो गया, इतना तेज होता है, इतना क्विक होता है, ठीक है। अब ये भी होता कैसे ये देखते हैं हम लोग ध्यान से, ठीक है। बेसिकली देखो क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप। ये जो रिसेप्टर्स आप देख रहे हो ना ये पूरी हर जगह पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। सो बेसिकली द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। क्या होता है कि वो जो रिसेप्टर्स है वहां पर ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ऑफकोर्स, तो जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, ये क्या करेंगे कि वो गर्म लग रहा है जो पेन है जो कुछ भी उसको एक्वायर करेंगे, ओके जी, ग्रेट। और इससे क्या होगा, जैसे इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होती है। ध्यान रखना क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसके चलते एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। सबसे पहले डेंड्राइट, ये जो न्यूरॉन प्रेजेंट है ना, जहां पर भी जो भी साइट है जहां पर भी हमको गर्म लग रहा है वहां पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ऑफकोर्स, है ना। ये जो न्यूरॉन्स है इनकी जो डेंड्राइटिक टिप है यहां से इन्फॉर्मेशन एक्वायर हो रही है। इन्फॉर्मेशन एक्वायर होने के बाद में क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके चलते एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोचो कि ऑल दिस इज रिलेटेड टू स्पीड, सोच के देखो। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलने में कैसा बहुत तेज तेज लगता है ना, बस, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो इंपल्स है ये सेल बॉडी की मदद से एक्सॉन पे जाएगी, एक्सॉन से पहुंचेगी ये कहां पर, नर्व एंडिंग पर, यहां पर ये नर्व एंडिंग पर पहुंचेगी। अब देखो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं, बराबर, पर अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है इसे इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन पर जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, सोच कर देखो। तो देखो क्या होता है, एट द एंड द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, है ना। अब क्या होगा, जैसे एंड पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंच जाएगी ना, ये वापस से क्या करेगी, वहां पर कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगी, ठीक है। ये जो केमिकल्स है ना, ये जो इसके बीच का गैप है ना, इस वाले नर्व सेल या फिर इस वाले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और इस वाले न्यूरॉन के डेंड्राइटिक टिप के बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ओके जी। ये साइनेप्स कवर करने के लिए क्या किया जाएगा कि यहां पर एंड में, जैसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड में पहुंच जाती है वहां पर होगी केमिकल रिएक्शन। क्या क्या होगी, वहां पर एक केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होती है। जैसी वहां पर एक केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होगी, ठीक है, क्या होगा कि वो इस साइनेप्स को क्रॉस करेगी और पहुंच जाएगी डेंड्राइटिक टिप्स पर, इन डेंड्राइटिक टिप्स पहुंच जाएगी, ठीक है। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। जैसे ही ये केमिकल यहां पर पहुंचेगा वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स वापस इसमें ट्रैवल करेगा, फिर वापस से नर्व एंडिंग आएगी, केमिकल्स छोड़ेंगे, साइनेप्स क्रॉस करेगा, वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाएगी,
फिर वो ट्रैवल करेगा, वापस सिंगर बेंडिंग आएगी, केमिकल्स छोड़ेंगे, साइनस क्रॉस करेगा, वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी, सेल बॉडी में ट्रैवल करेगा, बस हमें बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती रहेगी। ये देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट की, ट्रैवल की, यहाँ पर फिर से केमिकल रिएक्शन जनरेट हुई, है ना, साइनस को कवर किया, यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई, ट्रैवल किया, एंड सो ऑन। ओके, तो इस प्रकार से कुछ होता है। देखो, इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्वायर होगी सराउंडिंग से पूरी की पूरी। देखो, उसके बाद में केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होगा जिससे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होती है, फिर डेंड्राइट के थ्रू वो जाएगा सेल बॉडी, सेल बॉडी देन एक्सॉन, एक्सॉन देन नर्व एंडिंग। यहाँ पर क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कुछ केमिकल्स जनरेट करेंगे जो कि साइनेप्स को क्रॉस करेंगे, फिर वापस से नए वाले डेंड्राइट पर जो है वो नया इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, ग्रेट। इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है। ओके, बहुत शानदार। अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, ये वही चीज़ है जो हमने अभी देखी ना, वही चीज़ है। देखो, ये वही चीज़ है, मतलब क्या कि ये कह रहा है, इसमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि यार हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के लिए सोचते नहीं है। तुम सोचो, गरम लगा, हाथ उठा लिया, तो यहाँ पर ना ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ब्रेन को मैसेज पहुँचा दिया जाता है कि भाई ऐसा गरम गरम लगा था इसलिए हमने हाथ हटा दिया है। ठीक है, पर ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि ब्रेन से हम लोग इनपुट मांगेंगे कि भाई बता क्या करना है, हाथ हटाए नहीं हटाए, गरम लग रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है पूरे रिफ्लेक्स आर्क के अंदर। वही चीज़ है, हैंड टचेस द आउटर सरफेस, हीट रिसेप्टर्स ऑफ स्किन सेंड सिग्नल, है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स, वही न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इन्फो, जैसे मैंने अभी तुमको दिखाया ना, उस प्रकार से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे। ओके, उसके बाद में फिर ये स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड से अब अगर हमें मसल तक पहुंचाना है इन्फॉर्मेशन, तो बीच में प्रेजेंट होते हैं रिले न्यूरॉन्स। ठीक है, फिर इसकी मदद से इन्फॉर्मेशन जाएगी मोटर न्यूरॉन्स में, ये जाएंगे हमारे हैंड की मसल तक जो कि है इफेक्टर। ठीक है, जो कि इफेक्टर, तुम बस इतना ध्यान रखो यार, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, खत्म बात। ओके, फिर हैंड इज रिमूव फ्रॉम द सर्फेस, और ये बहुत ही तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। ओके जी, वेरी गुड। अब देखो, ये अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स जो ईयर में प्रेजेंट होते हैं, हियरिंग और बैलेंस में काम आते हैं, फोटो रिसेप्टर्स आंखों में, थर्मो रिसेप्टर्स स्किन में, ओल्फैक्टरी नोज में, और गुस्टैटरी टंग में। ठीक है जी, ग्रेट। ओल्फैक्टरी से हम लोग स्मेल डिटेक्शन कर सकते हैं, और गुस्टैटरी से हम लोग टेस्ट डिटेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है, इजी चीज है। स्पाइनल कॉर्ड क्या क्या फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, कनेक्ट्स ब्रेन टू लोअर बैक एंड कैरीज सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड, हल्के में नहीं लिया जाए इसको तो ही बेहतर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी में। अब हम बात करते हैं CNS और PNS, तो बात नहीं हो गई थी, ह्यूमन ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तीन हिस्से होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है हाइंड ब्रेन। ओके जी, वेरी गुड। ये देखो, ये हो गया अपना फोर ब्रेन, ठीक है, ये हो गया अपना मिड ब्रेन, और ये हो गया अपना हाइंड ब्रेन, ये हो गया अपना हाइंड ब्रेन, और ये हो गया अपना मिड ब्रेन। ठीक है जी, अलग अलग फंक्शन देखेंगे हम लोग, अलग अलग जो है वो पार्ट्स के, ध्यान से देखना। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो मेन थिंकिंग पार्ट है, जहां पर हमको सोच के कुछ जवाब देना पड़ता है, वो सारी जो थिंकिंग होती है वो सारी फोर ब्रेन होती है। तुम देखोगे फोर ब्रेन कितना बड़ा है, ध्यान से देखो, राइट, वेरी गुड। इट रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, ठीक है, ओके, ये सब तो वही चीज़ें दी हुई है, इसके बेसिक, इसका बेसिक सा फंक्शन है। ठीक है, मैं तुमको बस इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपना मेजर जो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, थिंकिंग, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर, इस फोर ब्रेन की मदद से जो है वो क्या कह सकते हैं हम लोग कि कंप्लीट हो रही होती है। प्लस जो भी वॉलंटरी एक्शंस होती है ना, उन्हें कंट्रोल करने में भी ये जो हमारा फोर ब्रेन है वो बहुत काम आता है। ठीक है, वॉलंटरी मतलब क्या, जो कि मैं मेरी मदद से कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि मैं मतलब मेरी इच्छा से कर सकता हूँ। ठीक है, ग्रेट, तो फोर ब्रेन की बात हो गई। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं मिड, अब देखो इसके अंदर बेसिकली एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की बात करेंगे। मेनी इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ठीक है, जो भी अपना ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सब क्या कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला कंट्रोल करता है। ध्यान से देखो, ये जो मेडुला है ना, ये मेडुला, तो जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक व्हाट, लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेरेबेलम, इसमें सवाल बहुत बार आता है, सेरेबेलम मतलब क्या, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए सेरेबेलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो मैं चल रहा हूँ, अब मैं सीधे चल रहा हूँ बैलेंस के साथ में, बराबर, मैं बैलेंस्ड वॉक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं झूम रहा हूँ, है ना, जैसे जनरली लोग दारू पीने के बाद में हो जाते हैं। ठीक है,
तो क्यों? क्योंकि ये सेरेबेलम मेरी हेल्प कर रहा है. साइकिल पर भी जब हम लोग जाते हैं, बाइक पर जाते हैं, स्कूटर पर जाते हैं, तो क्या होता है, बैलेंस मेंटेन होता है बिकॉज सेरेबेलम काम कर रहा है, राइट. ये बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है, बहुत सिंपल है, ठीक है. सो एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड द सेरेबेलम. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है जी. वेरी गुड, क्लियर है बात. मेडुला की बात हो गई, हैंड ब्रेन की अपनी इसकी बात हो गई, क्या कहते हैं पॉन्स की बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है. वेरी गुड. अच्छा छोटा सा होमवर्क देता हूँ, बताओ सेरेब्रम कहाँ पर आता है और इसका फंक्शन क्या है. अभी थोड़ा स्टार्टिंग में तुमको बताया था, पर फिर भी चलो होमवर्क है. ओके जी, ग्रेट. आगे चलते पॉन्स की बात करेंगे. पी ओ एन एस, पॉन्स, ठीक है. It handles unconscious processes and jobs such as your sleep, wake cycle and breathing. So basically, sleep, wake cycle, जगने उठने की cycle, है ना, breathing वगैरह सब pons control कर रहा होता है. Okay जी, great. ये सारी कैसी processes है, unconscious processes है. मतलब अब तुम्हारे हाथ में तो है नहीं कब उठना है कब जागना है. हाँ, अलार्म लगा के तुम जरूर उठ सकते हो, पर उठाने वाला तो कोई चाहिए ना तुमको, ऐसा तो है नहीं कैसे उठ जाओगे. ओके, ब्रीथिंग वगैरह सब pons control कर रहा होता है. ओके जी, ग्रेट. CNS protection की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखो कि बेसिकली क्या है ना, ये जो आप पूरा अपना सर देख रहे हो, जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी जो है हमारे इस दिमाग को प्रिजर्व करके रखती है, बचा के रखती है. आप देखोगे ये जो क्रेनियम है, स्कल है, ये स्कल जो है हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है. बोनी स्ट्रक्चर है ना, बोनी स्ट्रक्चर तो ऐसे ठोक के देखोगे तुमको फील होगा तुमको फील होगा तुम चेक करो, अरे भैया है कि नहीं है, अरे भैया दिमाग कहाँ गया है सबके पास, ठीक है. तो ये क्या है, बेसिकली स्कल है जो कि क्या कर रहा है, हमारे सर को प्रोटेक्ट कर रहा है. ओके, अब यहाँ पर बेसिकली कितनी बार बेसिकली बोलोगे भैया, यहाँ पर ना एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन के काम आता है. मतलब शॉक एब्जॉर्प्शन सब समझते हैं, तो ये फ्लूइड जो है वो शॉक एब्जॉर्प्शन के काम आता है. मेनली स्कल हमारे इस बढ़िया से दिमाग को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है. और इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ एक और चीज़ तुमको बताता हूँ, एक और चीज़ तुमको बताता हूँ. ये जो वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हो ना, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्टिब्रल कॉलम. क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है. हम जो सीधे खड़े हैं ना, इसके कारण ही खड़े हैं. हमारी जो कमर दुखने लग जाती है बार बार, वो इसी के कारण दुखने लग जाती है कि भैया बस हो गया, बस हो गया, आप खड़े नहीं रह पा रहे हम लोग. तो वर्टिब्रल कॉलम के दो तीन इंपॉर्टेंट काम है. पहला, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है. दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ग्रेट. आगे बढ़े. ऑल राइट, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की, किस प्रकार से प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है. प्लांट्स जनरली दो टाइप के मूवमेंट दिखाते हैं. एक, या तो कोई स्टिमुलस आ जाए बाहर उसके कारण, या फिर ग्रोथ के कारण. मतलब ग्रो होंगे तो मूवमेंट होगी ना. अब मान लो एक छोटा सा प्लांट है, वो ग्रो होगा तो ऊपर की साइड मूव करेगा, तो ये है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. ओके, और दूसरा क्या है, मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस. कुछ ऐसे बहुत प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं. जैसे कि मान लो कोई ऐसा प्लांट, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अगर आप लीफ पे हाथ रखोगे ना तो लीफ फोल्ड हो जाएंगे. तो ये क्या है, ड्यू टू चेंज इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दे आर रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई. बराबर है, उन्होंने फटाक से जो है फोल्ड कर लिया. सो दिस इज मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलाई. ओके, तो दो प्रकार की मूवमेंट हम लोग देखते हैं. ओके जी, ग्रेट. ये देखो, मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस. प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये देखो, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट दे बिगिन टू फोल्ड अप. अब जैसे ये देखो, इसको टच करोगे वो फोल्ड हो जाएंगी. क्यों? बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव है, तो वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ओके, ग्रेट. तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अगेन एज एन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन. प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर चेंजिंग शेप्स. क्या होगा, यहाँ पर जो भी पानी प्रेजेंट होता है, अगर वो उनको फोल्ड होना है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, बिल्कुल पानी का लेवल कम हो जाएगा. फिर क्या होगा, अगर उनको स्वेल होना है तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा. ठीक है, ईजी. मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की बात करते हैं. ये एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत मजेदार है. बेसिकली ये जो प्लांट है, तुम देखोगे कि सनलाइट की तरफ झुका हुआ है. क्यों? बिकॉज इट इज ग्रोइंग टुवर्ड सनलाइट. हमने क्या किया है, हमने पूरे रूम में से सिर्फ यहाँ से सनलाइट अलाउ की है ना, और बाकी सब जगह से इसको कवर कर दिया. तो ये देखो, सनलाइट की तरफ ग्रो हो रहा है. सो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, राइट. सो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल. इट अपीयर्स एज़ इफ द प्लांट इज मूविंग. ओके जी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या? जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के रिस्पॉन्स, मतलब ग्रेविटी के लिए क्या रिस्पॉन्स है प्लांट की ग्रोथ का. देखो, अब अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ प्लांट की, ठीक है,
ये SBI का लोगो क्यों बन गया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, शूट है, ये क्या है, शूट है, और ये क्या है, रूट है, बराबर। तो देखो, रूट तो नीचे की साइड ग्रो करता है और शूट जो है ऊपर की साइड ग्रो करता है, मतलब ग्रेविटी लगती है नीचे और रूट भी नीचे ग्रो कर रहा है, मतलब रूट कैसा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। कैसा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, ये देखो लिखा हुआ यहाँ पर। वही अगर मैं बात करता हूँ शूट की, तो शूट ऊपर की साइड जा रहा है लेकिन ग्रेविटी लगती है नीचे, तो शूट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए वो होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्लियर है बात, वेरी गुड। कीमोट्रोपिज मतलब क्या, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स, पोलन ट्यूब्स का ग्रोथ टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, रूट्स का ग्रोथ मॉइस्चर के पास में इज हाइड्रोट्रोपिज्म। ओके जी, ग्रेट। और मूवमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ आर वेरी स्लो। तुम सोचो यार कि ड्यू टू स्टिमुलस तो बहुत जल्दी हो जाता है, प्लांट तो बहुत जल्दी फोल्ड हो जाएगा, लीव्स बहुत जल्दी फोल्ड हो जाएंगे, लेकिन प्लांट को ग्रो होने में कितना टाइम लगता है ना। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ जनरली वो होती है, क्या कहते हैं इसको, स्लो होती है। अब देखो, प्लांट के अंदर भाई अलग अलग हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के हॉर्मोन्स हम लोग पढ़ते हैं। पहले होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर प्रमोटर्स, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। दूसरे होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, है ना। इसमें आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। इसमें आते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। फटाफट से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, ये जो ऑक्सिन है ना, इसके ऊपर एक सवाल बन जाता है। तो देखो, ऑक्सिन का क्या काम होता है, बेसिकली ऑक्सिन जो है ना, ये आपका ग्रोथ हार्मोन है ना। ये क्या करता है, ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, ऑक्सिन यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब सन यहाँ पर ऊपर है तो ऑक्सिन क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। अब देखो क्या हुआ, ऑक्सिन होता है डरपोक, है ना, ये सनलाइट से डरता है। तो जैसे सन देखो यहाँ पर आया, इस साइड पर आया सन, तो सारा ऑक्सीजन जो है वो इस साइड पर चलेगा, ये देखो, है ना। पहले मतलब ऑक्सीजन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन अब सन चूंकि इस साइड पर आ चुका है, सामने आ गया इस साइड के, है ना, तो ऑक्सीजन जो है वो तो डरता है ना, और डरता है, इसके कारण क्या हुआ कि वो इस साइड पर आ गया, बराबर है। तो सारा ऑक्सीजन जो है इस साइड पर आ गया। अब तुम सोचो कि सारा का सारा ऑक्सीजन इस साइड पर आ चुका है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन, तो ग्रोथ इसकी होगी ना, राइट। तो ये देखो, इसकी ज़्यादा ग्रोथ हो गई, ध्यान से देखो, सेल एलोंगेशन हो गया, ध्यान से देखो, सेल एलोंगेशन हो गया, है ना, ये साइड बढ़ गई और ये साइड उतनी है, तो देखो थोड़ा सा ये बेंड हो गया टुवर्ड्स दी सनलाइट, ध्यान से देखो। विद सनलाइट एन एंगल द ऑक्सीजन मूव्स टू द साइड इन शेड, इंड्यूसिंग द एलोंगेशन ऑफ सेल्स ऑन दैट साइड। तो ये वाली साइड के जो सेल्स थे उनका एलोंगेशन हो गया, है ना। तुम सोचो कि ये वाली साइड के सेल्स का एलोंगेशन हो गया, अब ये बढ़ता गया ऐसा, तो ऑफकोर्स एक पॉइंट के बाद में बेंड हो जाएगा, है ना, सीधा तो जाएगा नहीं ना, बेंड हो जाएगा एक पॉइंट के बाद में, तो ऐसा था और ये बेंड हो गया, है ना। सिंपल सी बात है, जहां पर ऑक्सीजन होगा वहां पर सेल एलोंगेशन ज्यादा हो रहा है, ओके जी। अब देखो, ये सारे हमारे प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनके यूजेस हैं, मतलब सॉरी उनके फंक्शंस हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अभी तुमको मैंने बताया सेल एलोंगेशन और डिवीजन को प्रमोट करता है, जहां पर ये प्रेजेंट होता है वहां की ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द यंग टिप ऑफ फ्रूट्स एंड शूट्स, ठीक है, वेरी गुड। ये शेडी साइड पर रहता है, सनलाइट से डरता है, ओके जी, ग्रेट। जिब्रेलिन की बात करते हैं, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर एंड हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रेट। साइटोकिनिन की बात करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, है ना, और एज की लीफिंग सॉरी लीफ की एजिंग को डिले करेगा, ठीक है, वेरी गुड। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर्स है, ना, ये रिवर्सेस द ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, मतलब एक तरीके से क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है ना। इसको डिटेल में समझने के लिए हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो हमारे सिलेबस में नहीं होती है, इसके कारण मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि इसमें फिर क्या होता है ना कि फिर बायो के बहुत सारे ऐसे पोर्शन आ जाते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते, तो तुम बस इतना समझो कि ये ग्रोथ इनहिबिटर है ना, ग्रेट। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, आगे तुमको दिखाऊंगा मैं, कहां गया विल्टिंग ऑफ लीव्स में जो काम आता है, हाँ ये देखो एब्सिसिक एसिड, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स में काम आता है, इतना याद रखना, एक तो ग्रोथ इनहिबिटर है और दूसरा विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तों के झड़ने में ये काम आता है, ठीक है। इथाइलिन इसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग, देखो फ्रूट राइपनिंग क्यों इसेंशियल होती है, तुम सोचो कि फ्रूट पक गया, आम पक गया, अब ज्यादा पका हुआ आम भी लोगों को पसंद नहीं है, बराबर, तो एक पॉइंट के बाद में उसकी ग्रोथ रोकनी पड़ेगी, यानी कि फ्रूट को एक पॉइंट के बाद में राइपन होना पड़ेगा, तो वो कौन देख रहा है, वो देख रहा है यहाँ पर इथाइलिन, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड, विल्टिंग ऑफ लीव्स और इथाइलिन, इट इज एसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग, सबकी बात हो गई यहाँ पर, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स इन ह्यूमंस की, डन है फिर चैप्टर। अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, देख लेते हैं। ग्रोथ हॉर्मोन जो है वो कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड फंक्शन क्या है, सभी हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ होना, है ना, सभी हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ होना। इसका अगर एक्सेस में सीक्रेट हो जाएगा तो गाइगेंटिज्म आ जाता है, और अगर कम सीक्रेट होता है तो ड्वार्फिज्म आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा सीक्रेट होना मतलब क्या, बहुत लंबा बहुत चौड़ा हो गया इंसान, और ड्वार्फिज्म मतलब क्या कि इंसान जो है वो छोटा देगा, ठीक है।
फिर बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की, ये कौन सीक्रेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट कर रहा है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना, फैट्स प्रोटीन्स वगैरह का जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको रेगुलेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, वेरी गुड। एक छोटा सा होमवर्क तुमको दूंगा कि इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है ना, ये फाइंड आउट करना, 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। इंसुलिन ये सीक्रेट कौन कर रहा है, पैनक्रियास कर रहा है, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं देखो। अच्छा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास में अपने खुद का डक्ट होता है ना, है ना, लेकिन इनके पास में नहीं होता, तो ये डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करते हैं। ओके जी, ग्रेट। फिर बात करते हैं ये पैनक्रियास सीक्रेट कर रहे होते हैं, उनका काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। अगर इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा है ना, तो बाहर से इंसुलिन को इजेक्ट, मतलब बाहर से जो है वो इंसुलिन को जो है वो इंजेक्ट करना पड़ता है, जो कि जनरली हम लोग डायबिटीज के पेशेंट्स में देखते हैं कि वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही है। ओके जी, टेस्टोस्टेरोन टेस्टी सीक्रेट करती है, ऑफकोर्स डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, सबको पता है ये चीज़। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेम चीज़, ओवरी सीक्रेट कर रही है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट कर रहा होता है, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इमरजेंसी, जैसे कि मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया है ना, या फिर गुंडे पीछे पड़ गए, उस केस में इंसान बहुत तेज भागता है, हम बोलते हैं ना एड्रेनलिन रश, वो क्या होता है, वो यही होता है, किसी भी स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी कंडीशन में हम बहुत बहुत जो है वो सुपर ह्यूमन बन जाते हैं एक तरीके से। और रिलीजिंग हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस कर रहा होता है, ठीक है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है एक तरीके से, क्लियर है बात, वेरी गुड, है ना, बहुत चंगा। एक और बात थी इसमें, एक सवाल आता है कि कौन सा बेटर है, केमिकल इम्पल्स, मतलब केमिकल वाला बेटर है या फिर इलेक्ट्रिकल वाला बेटर है, तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है एक बार जनरेट होने के बाद में लगातार जनरेट नहीं हो सकती, केमिकल जो होता है वो लगातार जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो उसका एक क्वेश्चन है, मैंने शायद उसमें पीडीएफ में दे रखा है, तुम देख रहे हैं, ठीक है, बात हो गई सारी, ये देखो सब हो गया, सब बात हमने कर दी। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब कितना हार्मोन सीक्रेट करना है और क्या टाइमिंग होनी चाहिए, ये फीडबैक मैकेनिज्म देखना होता है। ओके जी, इफ द शुगर लेवल्स इन द ब्लड राइज, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियास व्हिच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, है ना, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन, है ना, वेरी गुड, क्लियर है बात, जब बढ़ जाती है तो ग्लूकागॉन, है ना, कम है तो इंसुलिन, सॉरी उल्टा। ओके जी, अब हम लोग फाइनल पड़ाव पर आ चुके हैं, विच इज व्हाट, विच इज रिप्रोडक्शन, है ना जी, ग्रेट। हम लोग ऑलमोस्ट 2 घंटे में खत्म कर देंगे, ऑलमोस्ट 2 घंटे में जो है वो खत्म हो जाएगा चैप्टर, चल जा भाई, हाँ, ऑल राइट। तो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काफी समय लगा दिया है ना, एक दो चीजें मैं तुमको बोलूंगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, इसके ना इसके पीवाईक्यू जरूर से कर लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत बार लोग केस बेस्ड क्वेश्चन देते हैं तुमको कि ऐसा ऐसा है, इस इंसान को ये दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है, किस हार्मोन की कमी है, तो मैंने इसलिए तुमको बोला कि डेफिशिएंसी से क्या होता है वो एक बार जरूर से पढ़ लेना, ठीक है, मतलब उससे आपका एक पूरा का ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगा, बाकी मैंने तुमको सब कुछ करवा दिया है, इनफैक्ट मैंने प्लांट हार्मोन भी तुमको बहुत डिटेल में समझा दिया है ना, जितना मतलब रेगुलर क्लास में समझाया जाता है ना उतना ही समझा दिया मैंने तुमको। ओके जी, अभी चैप्टर पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से 2 घंटे का समय सफिशिएंट है, अगर सबने पढ़ रखा है तो रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा मौका होता है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ सही तो चल रहा है सब, इज एवरीथिंग गोइंग ग्रेट, अरे भाई मैं अर्पण का गई नहीं, ये क्या हो गया, 1 मिनट, ये दिख क्यों नहीं रही मेरा तो हमारे होम पेज पे। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ एक 2 मिनट का ब्रेक ले लो, चलो मुझे एक बात बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है क्या, मतलब पढ़ना है क्या, क्योंकि मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में नहीं आता, तो अगर तुम बोलोगे हम लोग सीधा वेजिटेटिव से स्टार्ट करेंगे,
अरे हाँ, एक एक करके करा देंगे सब। लिम्फ तुमको समझा रहा हूँ, रुक जाओ, लिम्फ समझा रहा हूँ। हाँ, लिम्फ समझा रहा हूँ। एक सेकंड, मैं पोल दे देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, तुम मुझे बताओ, क्योंकि आई गेस ये सबको आता है, पर अगर तुम बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सबको आता है तो फिर वी शुड स्किप, मतलब तुम, मैं पोल देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी गिव अ पोल। कहाँ गया? अरे पोल कैसे थे इसमें? एक मिनट, मैं पोल डलवाता हूँ, रुको। फोन से जा नहीं रहा, एक सेकंड, पता नहीं क्या दिक्कत है। तब तो तुम्हारा ब्रेक भी हो जाएगा, 1-2 मिनट ब्रेक ले लो, ठीक है? अभी एक कोई बोलता है कि ये कराओ भैया, कोई बोलता है नहीं कराओ भैया। इंसान करे तो करे, क्या पढ़ाए तो पढ़ाए, क्या है? 1 मिनट रुक जाओ, मैं पोल लगवाता हूँ, फिर हम लोग करते हैं। एक मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, नहीं तो दिक्कत क्या आ रही है। एक मिनट में रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? 6:48 हो रही है, 6:50 पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 6:50 पर स्टार्ट करते हैं, तब तक जिसको पानी वानी पीना है, कुछ खाना वाना है खा लो। 2 मिनट में कैसे खाएंगे भैया? अरे जो भी कुछ स्नैक्स वैक्स है वो टेबल पर रख लो। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 25 मिनट्स समथिंग समथिंग लगेगा हमको, ठीक है? मैं यहाँ पर तुमको ये चैप्टर क्विकली समझा दूंगा, ठीक है? 1 मिनट, पोल डल रहा होगा, रुको देख ही लेते हैं। ले लो भाई ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट मैं भी बैठ जाता हूँ, यहीं पर हूं मैं, ठीक है? 1 सेकंड के लिए हम भी बैठ जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं साइड से ही बात कर रहा हूँ, है ना? मेरा हाथ दिख रहा है क्या तुमको? रुको, ये दिख रहा है, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सभी लोगों ने एग्जाम के बाद क्या क्या करेंगे, क्या सोचा है, क्या प्लान सोचा है? भैया हम तो यहाँ घूमने जाएंगे, भैया हम तो वहाँ घूमने जाएंगे, बताओ। तो मैं चैट पढ़ता हूँ, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? आराम करेंगे, सोएंगे, सर ट्रिप पे जाएंगे, गुजरात रील्स देखेंगे, कनाडा जाएंगे, सोना है बस अच्छे से, नॉवेल पढ़ेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, फुल गेम, गोना मीट माई बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर ईयर्स, गेमिंग करेंगे, क्या बात है। बॉम्बे जाएंगे घूमने, जिम करेंगे, मासी के घर जाएंगे, चलो 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 चलो। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, करवा देता हूँ, 2 मिनट ले ला, मैं
एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या है। एसेक्सुअल डिप्रेशन मतलब क्या, कि जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन मतलब क्या, जब एक ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में टूट जाता है या फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये जनरली देखा जाता है अमीबा के अंदर, ठीक है। ये जनरली देखा जाता है अमीबा के अंदर। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डीएनए कॉपिंग समझा दो, इस पर मैं एक शॉर्ट अपलोड करूंगा या फिर एक दो मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक इस हड़बड़ी में समझाना थोड़ा सा मुझे वर्थ इट नहीं लगता। डीएनए कॉपिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं दो मिनट का एक शॉर्ट या फिर दो मिनट की वीडियो के अंदर पूरा समझा दूंगा। पूरा डीएनए कॉपिंग जो सवाल आता है इसके ऊपर वो भी समझा दूंगा, हो जाएगा डीएनए कॉपिंग अपना, ओके चिंता मत करो। ओके जी, ग्रेट। सो सेल डिवीजन मतलब बेसिकली क्या होता है, एक सेल जो है वैसे दो में डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, ये देखो अमीबा है, एक अमीबा है, धीरे धीरे बट रहा है दो हिस्सों में, बटा 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 दो हिस्सों में बट गया, फाइनली ये एक अमीबा और ये दूसरा अमीबा, तो एक अमीबा से दो अमीबा बन रहे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ओके जी, धीरे धीरे देखो क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद में फिर सेल बॉडी डिवाइड होती है, फिर जो भी मटेरियल है सब कुछ डिवाइड होकर पूरा दो हिस्सों में बढ़ जाता है और फिर फाइनली दोनों डिटैच हो जाते हैं, तो दोनों अलग अलग देखो हो गए। ओके, अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल इसमें जो है वो डिवाइड हो रहा है या फिर क्या कह सकते हैं कि बट रहा है, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म लाइक प्लास्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली मल्टीपल फिजन। ये देखो, ये एक अपना क्या है, अपना प्लास्मोडियम है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। देखो इसके अंदर कुछ 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 सेल का मटेरियल चलेगा, साइटोप्लाज्म वगैरह सब चलेगा, है ना। उसके बाद में फाइनली क्या हुआ, जब मैच्योर हो गया तो हर एक डॉटर सेल जो वो रिलीज हो गया, तो एक प्लास्मोडियम देखो कितने सारों में कन्वर्ट हो गया, बराबर है। तो एक से अगर दो बन रहे हैं दिस इज बाइनरी फिजन, ठीक है। एक से अगर मल्टीपल बन रहे हैं तो मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो कैसा फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है जी, शांत। आगे बढ़ते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। ये एक और टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। बेसिकली ये जो है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये जो बाहर होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। जैसे ही ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है इसके अंदर के सारे स्पोर्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है जी, वेरी गुड। एंड बस ये जो सारे स्पोर्स हैं फिर वो हवा में घूमते रहते हैं, ओके। और जब भी उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है वो ग्रो हो जाते हैं। सो बेसिकली वो नहीं होता, बर्थडे के टाइम पे जो एक बलून होता है जिसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं, ये वही चीज़ है। स्पोरेंजिया वो बलून है, अंदर जो स्पोर्स हैं वो सारी चॉकलेट्स हैं। जैसे ही ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होगा सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे एंड देन दे ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल्स, ओके जी, शानदार। फिर बात करते हैं हम लोग बडिंग की। बडिंग मतलब क्या, ये हाइड्रा है, इसके अंदर देखो ये बड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक बड बन रहा है। धीरे धीरे ये बड ग्रो होगा, फिर ये एक प्रॉपर बड़ा हाइड्रा बन जाएगा, एडल्ट हाइड्रा बन जाएगा। फिर ये हाइड्रा पापा हाइड्रा को बोलेगा कि देखो पापा हाइड्रा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे आपसे अलग होना पड़ेगा और एज अ न्यू इंडिविजुअल अपनी जिंदगी में जीना होगा। तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा एंड नाउ द न्यू हाइड्रा विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल, ओके जी। तो ये बडिंग है, क्या है ये बडिंग है। हाइड्रा में जनरली हम लोग देखते हैं, आप ईस्ट में भी देखोगे, ठीक है, वेरी गुड। ये देखो बडिंग इन ईस्ट, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक आउटग्रोथ हुई, वो आउटग्रोथ बड़ी हुई एंड फाइनली हाइड्रा जो है वो डिटैच हो जाएगा एंड इट विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल। देखो जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा ना आप बोलते हो इट विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल, इट विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, शानदार। बडिंग इन ईस्ट की बात करते हैं, ये ईस्ट का सेल है ना। यहाँ पर देखो ऊपर एक बड डेवलप हुआ, इसको हम बड बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे बड्स डेवलप हो गए, तो ये चेन ऑफ बड्स है, सिंपल, ओके, ग्रेट। फिर हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दो होते हैं। रीजनरेशन एक रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, ठीक है, ओके। रीजनरेशन मतलब क्या कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म गलती से टूट जा रहा है तो वो वापस से उस पार्ट को रीजनरेट कर सकता है, ओके। फ्रेगमेंटेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। पेरेंट जो है जब वो ग्रोन अप हो जाएगा सो मेच्योरिटी पर इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, और वो जानबूझ के ब्रेक करेगा, है ना, टू रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं गलती से हो जाएगा, जानबूझ के करेगा वो, ठीक है। सो पेरेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस ऑन मेच्योरिटी, ईच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल लाइक सीन इन मल्टीपल सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगैरा। तो ये स्पायरोगैरा है, है ना। ये देखो क्या होगा, दो फ्रेगमेंट में टूट गया, ये एक फ्रेगमेंट है, ये दूसरा फ्रेगमेंट है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये जानबूझ के हो रहा है, है ना, ये मर्जी से हो रहा है ना? फिर हम बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू रीग्रो इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल व्हेन इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पीसेस। जैसे कि यहां पर देखो ये जो प्लेनेरिया है ना, ये तीन हिस्सों में टूट गया। अब क्या होता है ना कि जहां से भी वो टूटा, जैसे कि लिजर्ड है स्टारफिश है, लिजर्ड की जब मैं बात करता हूं तो लिजर्ड की जब पूंछ टूट जाती है तो थोड़े दिनों बाद उसकी नई पूंछ आ जाती है। क्यों? क्योंकि जहां से उसकी पूंछ टूटी थी ना, मान लो लिजर्ड है आगे, यहां से उसकी पूंछ टूटी थी, यहां पर प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स की मदद से जो पूछ है वो थोड़े दिनों बाद वापस से ग्रो हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही प्लेनेरिया के पास में यहाँ पर वो सेल्स प्रेजेंट है, है ना। वो सेल्स प्रेजेंट इसके कारण क्या हो रहा है कि इट इज ग्रोइंग एज अ न्यू इंडिविजुअल, इट इज ग्रोइंग एज अ न्यू इंडिविजुअल। ओके जी, शानदार, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, क्या चीज है, वो मैं तुमको समझा देता हूँ। बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीफ्स। देखो, प्लांट के पास में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब क्या, फ्लावर। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इन वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से नया प्लांट ग्रो करना इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तीन हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट्स की मदद से हो सकता है, बाय स्टेम हो सकता है, एंड बाय लीफ हो सकता है। बाय रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक रूट है, ठीक है। तुम देखोगे स्वीट पोटैटो क्या है, एक रूट है, ठीक है। ये देखो, इट इज अ रूट। इसको जब ये जब गाड़ा जाएगा जमीन के अंदर या फिर जब ये पड़ा होगा ऐसी, ठीक है, तो यहां से क्या है, एक नया प्लांट ग्रो होगा। सो ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है, बाय रूट्स का एग्जांपल है। तो स्वीट पोटैटो बाय रूट्स का एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं बाय स्टेम की। तो पोटैटो एक स्टेम है, जब इसे जमीन में गाड़ा जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टेम है। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि जब पोटैटो पुराना हो जाता है वहां पर बहुत सारी ऐसी आइज निकलने लगती है छोटी छोटी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, नया प्लांट आ रहा है वहां से, है ना। जैसे इसको हम लोग गाड़ेंगे, इसको इसको गाड़ेंगे, तो यहाँ से क्या है, नया पोटैटो जो है वो ग्रो होने लग जाएगा, ठीक है। तो स्टेम से नया प्लांट ग्रो हो रहा है, यहाँ पर रूट से नया प्लांट ग्रो हो रहा है। मतलब कहां से, स्वीट पोटैटो, मतलब बाय रूट का एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो है, एंड बाय स्टेम का एग्जांपल क्या है, अपना पोटैटो है। ओके जी, तो बाय रूट का एग्जांपल क्या है, ये एक रूट है, ये एक स्टेम है। ओके जी, अब बात करते हैं बाय लीफ। तो ये जो ब्रायोफिलम की लीफ जो होती है ना, इसके देखो यहाँ पर ये एंड पर देखो नया प्लांट ग्रो हो रहा है ना, और तुम देखोगे रूट्स भी है नीचे, है ना, नया प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ब्रायोफिलम किसका एग्जांपल है, बाय लीफ। लीफ की मदद से जो एक वेजिटेटिव पार्ट्स है, नया प्लांट ग्रो हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बड्स प्रेजेंट होते हैं, तो नया प्लांट जो है वो लीव्स की मदद से ग्रो हो रहा है। बेसिकली ये सॉइल के पास होता है, तो ये जो रूट्स हैं वो खुद को उस सॉइल के अंदर धंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत ही डेलिकेट से होते हैं। ओके जी, अब हम बात करेंगे, ये तो अपनी बात हो गई नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तीन एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीफ। अगर कुछ याद नहीं रहता बस इतना याद रखो, बाय रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, है ना, रूट की मदद से नया प्लांट ग्रो हो रहा है। देखो यहाँ पर न्यू शूट, ये देखो न्यू शूट, मतलब ये देखो रूट रहेगा नीचे, नीचे रूट रहेगा और न्यू शूट डेवलप हो रहा है। तो ये क्या है, रूट है और न्यू शूट, मतलब क्या, अब ये फाइनली एक प्लांट ग्रो होगा। ओके, यहाँ पर देखो ये स्टेम है और यहाँ से देखो नया पोटैटो का जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है और ये रूट्स, ठीक है, वेरी गुड। ब्रायोफिलम का भी सेम केस है। ओके, अब बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जो मैनमेड होती है, आर्टिफिशियली की जाती है। ओके जी, शानदार, ओके जी, शानदार। तो ये देखो, सबसे पहले ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है, दो प्लांट्स दिए जाएंगे, एक का स्टेम वाला पोर्शन कट किया जाएगा और एक का रूटेड पार्ट कट किया जाएगा। ये देखो, तो एक वाले, एक प्लांट से हमने क्या किया कि उसका स्टेम कट किया, ठीक है, क्या किया, उसका स्टेम कट किया कुछ इस प्रकार से, ऐसा तिरछा, और जो रूटेड प्लांट था, है ना, उसका ये वाला पोर्शन ऐसे कट किया, मतलब इसका ऊपर का पूरा उड़ा दिया और इसका नीचे का पूरा उड़ा दिया, ठीक है, क्लियर है बात। अब दोनों को लेकर आए, तो बेसिकली कुछ ऐसा है, ये वो अपना, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सायन, है ना, और जो रूटेड पार्ट है, जो रूटेड पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ये क्या है, ये स्टॉक है, क्या है, ये स्टॉक है, ये सायन है, ये स्टॉक है, ये सायन है, ये स्टॉक है। ओके जी, ग्रेट, क्लियर है बात। अब इन दोनों को क्या किया हमने, ऐसे जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, तो यहाँ से एक नया डिजायरेबल प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा, ठीक है। जनरली मैंगो में ये देखा जाता है, अगर हमको अलग वैरायटी का एक मैंगो चाहिए तो फिर दो प्लांट्स को ऐसे जोड़ के जो है वो क्राफ्टिंग की जाती है। ओके जी, ग्रेट। लेयरिंग की बात करते हैं, लेयरिंग बहुत सिंपल है। ये मान लो एक अपने पास में प्लांट है, इसकी बड़ी सी ब्रांच थी, हमने क्या किया कि उस, बेसिकली ऐसे देखो, है ना, ये प्लांट है, तो एक ब्रांच है प्लांट की, एक ब्रांच है, उसको हमने क्या किया, जमीन में से निकाला ऐसे और इसकी टिप को बाहर छोड़ दिया, ध्यान से देखना, ठीक है, ग्रेट। तो अब क्या होगा ना, और मान लो इसको मैंने ऐसे नीचे अटैच कर दिया, ठीक है, ताकि ये बाहर ना निकले, बराबर है। तो पता है क्या होगा, अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो रूटेड पार्ट है ना, ये इतना यहाँ पे रूट्स ग्रो होके नया प्लांट जो है वो ग्रो होना चालू हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेयरिंग। सो ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद मॉइस्चर। देखो, इसको नीचे पुल किया और उसके ऊपर सॉइल डाल दिया, लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड, इसको मैंने एक्सपोज छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम न्यू रूट डेवलप्स, यहाँ पर नया रूट डेवलप होने लगेगा फ्रॉम द पार्ट ऑफ ब्रांच बरीड इन द सॉइल। तो यहाँ पर नया रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर जो है वो क्या होगा,
नया प्लांट मतलब डेवलप हो जाएगा. एग्जाम्पल जैस्मिन लेमन. सो बेसिकली कुछ नहीं है, एक ब्रांच हमने पुल किया, उसको सॉइल में डाला और वहां से नया प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है. ओके जी, बात करते हैं कटिंग की. कटिंग बहुत सिंपल है. हमने कहा कि यहाँ से एक ब्रांच कट की और उसको जो है नए पॉट में जाके गाड़ दिया. आप जनरली ये रोज में देखते हो, ठीक है. यहाँ से क्या किया, एक ऐसी वो काट दी, ब्रांच काट दी और उसको जाके नए इसमें डाल दिया. पर एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बड्स प्रेजेंट होने चाहिए. अगर बड्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर ग्रो नहीं होगा. ओके, सो स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग. कटिंग ऑफ पेरेंट प्लांट हैविंग सम बड ऑन इट इज टेकन एंड इट्स लोअर पार्ट इज बर्ड इन द मॉइस्चर. यहाँ से जो भी आपने कट किया उसको आप सॉइल में गाड़ दोगे, ठीक है जी. अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. इसके अंदर हम लोग बात करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस. ओके, वेरी गुड. इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. और ये जो तुम्हारा डीएनए कॉपिंग वाला पूरा क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन डाल दूंगा डीएनए कॉपिंग के ऊपर, वो पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है. दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल के पास में होते हैं स्पर्म्स और फीमेल के पास में होता है एग. जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो बनता है जायगोट, फिर एम्ब्रियो और फिर फाइनली बेबी बनता है. ओके, ग्रेट, ठीक है जी. बहुत शानदार. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. अब हम बात करते हैं प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है. तो बेसिकली ये फ्लावर है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, है ना. इसके अंदर ऑफकोर्स दो जो है वो आप कह सकते हो कि दोनों फीमेल और मेल पार्ट्स यहीं पर प्रेजेंट है. तो जो मेल पार्ट्स है वो कौन से देखो जरा, एंथर और फिलामेंट. ये जो आप देख रहे हो ये एंथर और ये जो फिलामेंट आप देख रहे हो ये दोनों है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, है ना, विच कम अंडर व्हाट, स्टेमेन. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पेल या फिर इसको हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. अब स्टेमेन के अंदर आता है एंथर और फिलामेंट और कार्पेल या फिर पिस्टिल के अंदर क्या क्या आता है, स्टिग्मा, ये जो आप लंबी डंडी देख रहे हो वो स्टाइल, और ये जो बड़ी सी ओवरी है, ये जो ओवल शेप्ड है ना ओवरी, ठीक है. ऑल दिस कम अंडर कार्पेल या फिर पिस्टिल. ओके जी, इंशाल्लाह. ये जो पत्ती देख रहे हो ये होती है सेपल और ये क्या है अपने पेटल्स है, ये क्या है अपने पेटल्स है, कलर्ड पेटल्स है. ओके जी, ये हिबिस्कस है. अब मेरा एक सवाल है, मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताना कि हिबिस्कस क्या है. बेसिकली हिबिस्कस में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. तो एक टर्म होती है, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है. ग्रेट, दिस इज हिबिस्कस. ये हिबिस्कस है, ग्रुप ऑफ सेपल्स. इन सेपल्स के ग्रुप को हम लोग बुलाते हैं कैलिक्स. क्या बुलाते हैं, कैलिक्स बुलाते हैं. एंड पेटल्स के ग्रुप को, इन सभी पेटल्स के ग्रुप को हम लोग बुलाते हैं कोरोला. क्या बुलाते हैं, कोरोला बुलाते हैं. ओके, वेरी गुड, क्लियर है बात. अब देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. बेसिकली देखो क्या होना है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ना उसके पास में होते हैं पोलन ग्रेन्स, है ना. इन पोलन ग्रेन्स में क्या होते हैं, मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये हमको पहुंचाने हैं ओवरी तक जहां पर प्रेजेंट है एग्स. तो जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमीट्स हैं वो पहुंचेंगे एग्स तक, वो फ्यूज हो जाएंगे एग के साथ में और डन, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है जी. ग्रेट, सो पिस्टल मतलब क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एक एक करके सारे पार्ट समझ लेते हैं. देखो ये जो आप लंबी सी डंडी देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, ठीक है, वेरी गुड. उसके बाद में जो टॉप में आप ये देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, है ना, वेरी गुड. और उसके बाद में जो ओवरी है ये बेसिकली क्या है, दिस इज द ओवरी. ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल. ओके जी, ग्रेट. अब देखो क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन. इसके अंदर होते हैं, ये जो एंथर है ना इसके अंदर होते हैं पोलन सैक्स जो कि पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं. क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं. सो दीज आर द मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेनी स्टेमेंस आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोशियम, ठीक है. अब देखो क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. मतलब क्या क्या होना है कि ये एंथर है, इस एंथर से, इस एंथर के पास क्या है, पोलन ग्रेन्स है. इस एंथर से ये पोलन ग्रेन्स जाएंगे स्टिग्मा पे. कहां जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे, क्लियर है बात. स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. तो यहां से क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स है स्टिग्मा पर चले जाएंगे. अब स्टिग्मा पर ही क्यों गए, ध्यान से देखो. This is found at the tip of the style. It forms the head of the pistil. Pistil ka head banata hai, of course. The stigma contains a sticky substance whose job is to stick the pollen grains. Jo bhi pollen grains anther se aa rahe hain, unhe chipka ke rakhna. Theek hai? Unhe jo hai wo chipka ke rakhna. Okay? Very good. They are responsible to begin the process of fertilization. Theek hai? Very good. Clear hai baat? Pahunch gaya. Okay? Amazing. Okay ji.
ग्रेट। तो अब देखो पूरी प्रोसेस क्या होती है, मैं तुमको समझाता हूँ। अब देखो पूरी प्रोसेस क्या होती है, मैं तुमको समझाता हूँ। दो प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, या तो इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन रेज जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और अगर इस फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जो है वो, मान लो अगर ये क्या बना है, जो कुछ बना है, अगर पोलन रेज जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। वो पानी या फिर इंसेक्ट्स की मदद से, हवा की मदद से जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन जो है ना, पोलन ग्रेन जो है, देखो व्हेन द पोलन लोड ऑफ 50 टू 200 पोलन ग्रेन्स इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा एट वन टाइम, ईच पोलन ग्रेन गोज अ पोलन ट्यूब इनटू। अब देखो क्या हुआ कि बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है ना, वो आके यहाँ पर स्टिग्मा पे चिपक गए। अब स्टार्ट होने वाली है फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस। सारे पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर चिपक गए। अब क्या होगा कि ये सारे पोलन ग्रेन के बीच में होगी कॉम्पिटिशन, यानी कि ये क्या करेंगे, एक एक सभी अपना पोलन ट्यूब यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है। जिस भी पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब सबसे पहले जाके यहां पर ओवरी के या फिर ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा, यहां पर इस गैप में पहुंच जाएगा, वो पोलन ग्रेन जीत जाएगा। तो इन सभी में से कोई ना कोई एक ही विनर होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब मान लो ये जो पोलन ग्रेन है अपना, ये विनर है क्योंकि इसका जो पोलन ट्यूब है वो यहां पर पहुंच गया, ठीक है। द पोलन ट्यूब दैट ग्रोज द फास्टेस्ट रीचेस द ओव्यूल्स फर्स्ट फ्यूज, ओके, वेरी गुड। अब देखो क्या होना है। अच्छा एक और चीज, ये जो अंदर का ओव्यूल है ना, अंदर का जो ओव्यूल है वो आगे जाके क्या बनता है, वो आगे जाके सीड बनता है, है ना। और जो ओवरी है वो आगे जाके फ्रूट बनता है। तो ये जो बाहर की ओवरी आगे जाके फ्रूट बनेगी, ऑफ कोर्स बाहर की साइड है, और जो ओवरी आगे जाके सीड बनता है। अब देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो हम समझ लेते हैं। ये पोलन ट्यूब ग्रो हुआ है ना और पहुंचा यहाँ पर, अब वहां से निकलता है मेल जर्म सेल। ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गेमीट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना ये चीज, दो मेल गेमीट्स प्रेजेंट है, ठीक है जी। ये फिर मैं बोलता हूँ, दो मेल जर्म सेल्स, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्या होगा, है ना, अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, ओव्यूल के अंदर का तुम सीन देखो, यहां पर प्रेजेंट है अपना एग, ये एक एग है, साथ ही साथ यहां पर प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। तो दो मेल गेमीट्स आते हैं पोलर ग्रेन के पास से, ठीक है, उनमें से जो एक मेल गेमीट है वो इस एग के साथ में फ्यूज कर जाएगा। तो वन मेल गेमीट विल फ्यूज विद एग, फर्स्ट मेल गेमीट विल फ्यूज विद एग, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है बात। इनमें से एक मेल गेमीट जो है वो इस एग के साथ में फ्यूज कर जाएगा, बहुत शानदार। जो दूसरा मेल गेमीट है वो इन दो पोलर न्यूक्लियर के साथ में क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल, ये देखो, वन मेल गेमीट विद द एग अलॉन्ग विद द यूनियन ऑफ द सेकंड मेल गेमीट विद द टू पोलर न्यूक्लियर और सेकेंडरी न्यूक्लियर इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या, छोड़ो अभी, वो जो दूसरा मेल गेमीट है ना वो इन पोलर न्यूक्लियर के साथ में यूनियन बना लेगा। मतलब ये देखो, एक मेल गेमीट एग के साथ में फ्यूज होगा, एक मेल गेमीट जो है वो इसके साथ में यूनियन बनाएगा, ये देखो, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो दो मेल गेमीट्स थे वो यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, वो यूटिलाइज जो है वो हो रहे हैं, ठीक है जी, ग्रेट, ठीक है जी, ग्रेट। अब देखो जो फर्स्ट मेल गेमीट है वो क्या हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली फ्यूज हो रहा है एग के साथ में और बना रहा है जायगोट। क्या बना रहा है? जायगोट बना रहा है। क्या बना रहा है? जायगोट बना रहा है, ओके जी, ग्रेट। जो सेकेंड मेल गेमीट है वो मिल रहा है पोलर न्यूक्लियर के साथ में और क्या बना रहा है, बेसिकली देखो क्या बनाता है, वो बनाता है एंडोस्पर्म। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना तुम, ये जो बना है इसको हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं। बेसिकली एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना, जो जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा ना उसको ये एंडोस्पर्म, तुम समझ सकते हो कि, या फिर तुम बोलो एंडोस्पर्म क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये जो सेकेंड मेल गेमीट है जो कि जाके फ्यूज हुआ है पोलर न्यूक्लियर के साथ में, वो बनाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है जी। इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी, जहां पर मेल गेमीट और फीमेल गेमीट फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बुलाते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम लोग बुलाते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों प्रोसेस मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस को मिला के कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो जब एक मेल गेमीट एग के साथ में फ्यूज होकर जायगोट बना रहा है उस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी, जब दूसरा मेल गेमीट पोलर न्यूक्लियर के साथ में फ्यूज हो रहा है और बना रहा है एंडोस्पर्म उसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों प्रोसेस मिला के ऑल ओवर इस प्रोसेस का नाम क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन, खत्म बात, ठीक है, वेरी इजी। समझ गए बात को? बहुत चंगा, ओके, ग्रेट, क्लियर है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना एक बार फिर से।
ये सिनगैमी है, ये ट्रिपल फ्यूजन है, लेकिन दोनों मिला के डबल फर्टिलाइजेशन है। ओके जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की, है ना। यहाँ पर देखो बेसिकली क्या होता है, हम लोग पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर फीमेल, और फिर किस प्रकार से जो है वो बेबी फॉर्मेशन होता है। ओके, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर हैज टू बी अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट। ओके, कॉपुलेशन इज द एक्ट ऑफ मेटिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब तुम सोचो कि पॉलिनेशन में तो पोलन ग्रेन्स उड़ के चले गए, लेकिन स्पर्म्स ऐसे उड़ के एग सेल्स के पास नहीं जा सकते, उन्हें पहुंचाना पड़ेगा, और उसी एक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉपुलेशन। ठीक है, इट इज द एक्ट ऑफ मेटिंग विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसकी मदद से स्पर्म सेल्स जो है वो एग तक जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली है, दिस इज व्हाट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक करके हम लोग एक एक पार्ट का फंक्शन देखेंगे। ओके, टेस्टिस, अ मैन हैज टू टेस्टिस, दे आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स। बेसिकली जो आप ये देख रहे हो ना, ये होती है टेस्टिस, और ये मेल्स के अंदर जो मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये टेस्टिस ही है। क्यों, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। भाई जो मेल गैमेट्स है उनके प्रोडक्शन में ही इन टेस्टिस का काम आ रहा है, पहला। दूसरा, पहले बात तो स्पर्म्स, दूसरा ये सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या सीक्रेट कर रहे हैं? टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट कर रहे हैं। टेस्टोस्टेरॉन क्या है तुम बताओ, याद करो, क्या है टेस्टोस्टेरॉन? भाई जो भी चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, है ना, वो ये टेस्टोस्टेरॉन ही तो देख रहा है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, डीपनिंग ऑफ वॉइस, या फिर मैं बोलूँगा कि यही अपना, मैं बोलूँ तो प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होना, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें, यही तो है, टेस्टोस्टेरॉन तो रेगुलेट कर रहा है। और तीसरा क्या है, टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी। टेस्टिस प्यूबर्टी हिट होने के बाद में ही स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फीमेल के केस में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो क्लियर है बात, पहला स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, दूसरा सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, जो कि पहली बात तो स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट भी करेगा, एंड और साथ ही साथ में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ चेंज इन अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर है बात, शानदार। फिर बात करेंगे स्क्रॉटम की। स्क्रॉटम बेसिकली क्या है? स्क्रॉटम वो ब्राउन सैक है जिसके अंदर टेस्टिस लाई करती है। ये देखो, इसके अंदर जो है वो टेस्टिस लाई करती है। स्क्रॉटम जो ब्राउन सैक होता है उसके अंदर टेस्टिस लाई करती है। अच्छा, ये जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए स्क्रॉटम जो है टेस्टिस के साथ में वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। सवाल इस पर बन सकता है। ओके, फिर हम बात करेंगे वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस क्या है? ये बेसिकली तुम बोल सकते हो कि एक पाथवे है। वास डिफरेंस क्या करते हैं? पर स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? बेसिकली स्पर्म को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो स्पर्म्स जो प्रोड्यूस इन द टेस्टिस आर कैरीड बाय द वास डिफरेंस एंड देन, ठीक है, आर कैरीड बाय द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इसको कैरी करता है। ठीक है, फिर बात करेंगे यूरेथ्रा की। तो ये रहा यूरेथ्रा। ठीक है, यहां पर बेसिकली क्या होता है यूरेथ्रा, बेसिकली क्या होता है यूरेथ्रा में, बेसिकली क्या हो रहा है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। मतलब स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। ओके, क्लियर है बात, वेरी गुड। ओके, फिर बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जिनके दो काम है, पहला स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, और दूसरा स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करना। मतलब स्पर्म को तंदुरुस्त रखने में काम आता है, और दूसरा स्पर्म की मोबिलिटी, मतलब स्पर्म अच्छे से मूव कर पाए, इसके लिए जो है ये मिल्की फ्लूइड काम आता है, जो कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल जो है वो सिक्रेट कर रहे हैं। अच्छा, स्पर्म जब ये मिल्की फ्लूइड के साथ में मिक्स हो जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है सीमेन। क्या बोला जाता है? सीमेन बोला जाता है। ओके जी, तो ये स्पर्म सेल का हेड है, ये इसका मिड पीस है, और ये इसकी टेल है। ओके, ग्रेट। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, है ना। तो ये देखो, इट इज मतलब तुम रिलेट कर पाओगे चीजों को। सो ओवरीज जो है, ये है ओवरीज, दोनों साइड पर प्रेजेंट होती हैं। दीज आर ओवल शेप ग्लैंड विच आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द यूटरस। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड पर लोकेटेड हैं। ठीक है, जो कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन। तो जो ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है और जो प्रोजेस्ट्रॉन है, दोनों ही ये ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करती है, पहली बात। दूसरी बात, एग्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इन ओवरीज के अंदर बहुत सारे इमैच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, बर्थ के साथ में ही यहां पर बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं,
वो मैच्योर प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बर्थ के साथ में ही बहुत सारे एक्सप्रेजेंट होते हैं, बट वो मैच्योर कब होते हैं? प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। वेरी गुड। फेलोपियन ट्यूब की बात करेंगे, ये रहा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। बेसिकली यही वो साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, जब स्पर्म आता है ना और यहां से जब एग निकाला जाता है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यहां पर फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, ओके, वेरी गुड। दे आर नैरो ट्यूब्स विच अटैच टू द अपर पोर्शन ऑफ द यूटरस। फेलोपियन ट्यूब्स एक्ट एज टनल्स फॉर एग्स सेल्स, देयरफॉर दे ट्रांसपोर्ट एग्स सेल्स फ्रॉम ओवरीज टू द यूटरस। बेसिकली क्या होता है, यही वो साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, ओके, वेरी गुड। फिर हम बात करेंगे यूटरस की। इट इज अ पियर शेप्ड हॉलो ऑर्गन, ये देखो पियर शेप्ड हॉलो ऑर्गन विच इज होम फॉर अ डेवलपिंग जायगोट। जो जायगोट होता है वो यहीं पर डेवलप हो रहा होता है। फर्दर द यूटरस सेपरेट्स इनटू टू पार्ट्स, नेमली सर्विक्स एंड द कॉर्पस। ये देखो यहां पर सर्विक्स में सेपरेट हो रहा है। द कॉर्पस इजिली एनलार्जेस फॉर होल्डिंग अ डेवलपिंग बेबी, मतलब ये कॉर्पस जो है वो धीरे धीरे इट विल एनलार्ज टू होल्ड अ व्हाट, होल्ड अ डेवलपिंग बेबी, ओके। वजाना इट इज अ कैनल विच जॉइंट सर्विक्स टू द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द बॉडी। यू कैन इवन कॉल इट एज बर्थ कैनल, ठीक है। तो ये तुम कह सकते हो कि एक्सटर्नल पोर्शन को ज्वाइन कर रहा है और ये बर्थ कैनल भी है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस होती कैसे, ठीक है, वेरी गुड। वजाना रिसीव स्पर्म सेल्स ड्यूरिंग मेटिंग, जब भी मीटिंग हो रही होती है तो वजाना जो है इट विल रिसीव स्पर्म सेल्स, ओके। अब ये जो स्पर्म सेल है ना, ये सर्विक्स से देन थ्रू यूटरस कहां जाएंगे, दे एंटर द फेलोपियन ट्यूब, है ना। ये देखो ऐसा कुछ होता है, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। थ्री डेट में तुमने देखा होगा बहुत सारे स्पर्म सेल्स जो है वो ऐसे आके वो रेस में होते हैं, तो वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है ना वो ऐसे इस प्रकार से जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, मतलब बहुत सारे स्पर्म सेल्स जो है वो रास्ते में ही मर जाते हैं, है ना। तो जो स्पर्म सेल यहां पर जाकर, यहां पर एग प्रेजेंट होता है, एग वेट कर रहा होता है कौन सा स्पर्म सेल आएगा और मेरे साथ फ्यूज करेगा। जो भी स्पर्म सेल सबसे पहले जाके एग के साथ में फ्यूज करेगा वो जीत गया, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते तो है लेकिन फ्यूज सिर्फ एक कर पा रहा है, ओके, वेरी गुड। तो यहां पर जो भी, मान लो जो भी विजेता है वो यहां पर फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर गया, राइट। द एग दैट इज रिलीज बाय द ओवरीज प्रेजेंट इन द ओविडेट, वो ओविडेट में फेलोपियन ट्यूब में एग इंतजार कर रहा है, आराम से वेट कर रहा है स्पर्म्स का कि स्पर्म कब आएगा और फ्यूज होगा, ठीक है, ग्रेट। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रेस टुवर्ड्स द एग, ओनली वन स्पर्म देन फ्यूजेस विद द एग। सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो एग के साथ में फ्यूज करता है। एंड फिर क्या होगा, जो ये स्पर्म सेल है जब ये एग के साथ में फ्यूज करेगा तो इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म जायगोट, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म जायगोट। एक सेकेंड, हम देखते हैं हमारा, हमारी क्या रिपोर्ट है। सो वी आर एट 425 हो गया अपने भाई, वेर इज 425, फटाफट कराओ, 425,000 यार, ठीक है, ग्रेट, ओके, वेरी गुड। अब जो है, अब एक सेकंड ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी अ मिनट। काफी ज्यादा शोर हो रहा था बाहर, पता नहीं कुछ कुछ शायद कोई सर्विसिंग करने के लिए आया हुआ है तो फालतू की आवाज चल रही तो मैंने कहा गेट बंद कर दो भाई, ओके। तो स्पर्म जीत गया, ओके, स्पर्म जीत गया, स्पर्म फ्यूज करके एक के साथ में बन गया जायगोट, ओके जी। फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है, ओविडक्ट में हो रहा है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। जायगोट जो है वो फर्दर डिवाइड होता है टू फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है, ग्रेट। अच्छा अब देखो क्या होता है कि द इनर लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिसली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स सो दैट इट कैन नरिश द एम्ब्रियो। अब बेसिकली क्या होगा ना, ये जो यूटरस है इसकी जो इनर लाइनिंग होती है ये वाली, ये बहुत थिकन हो जाएगी, है ना, इट विल थिकन। एंड उसके बाद में क्या होगा कि इट विल बी रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स टू वेलकम द एम्ब्रियो। बेसिकली ये उस एम्ब्रियो को वेलकम करने के लिए तैयारी की जा रही सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पर वॉल थिकन हो जाएगी, है ना, और तुम सोचो कि ब्लड वेसल्स बहुत सारी वहाँ पर ऑलरेडी सप्लाइड होंगी टू रिसीव द नरिशिंग एम्ब्रियो, ओके जी, ग्रेट, क्लियर है बात, ओके, ये छोड़ो। आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो और स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, अब क्या होता है ना, ये जो एम्ब्रियो है ये यूटरस की वॉल पर जाकर इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। क्या होगा कि वॉल पर जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, वहां पर एक बहुत ही स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों, ध्यान से देखो, ये यूटरस, मतलब ये यूटरस है मान लो और ये एम्ब्रियो है, है ना, इसके बीच में ये डेवलप होता है, ये देखो मैं इसको रेड से डेवलप करता हूं, हाँ, ये है अपना, क्या ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, ओके। एम्ब्रियो को सारा न्यूट्रिशन इस प्लेसेंटा से ही मिलता है, ठीक है, वेरी गुड। एम्ब्रियो वाली साइड पर प्लेसेंटा के पास में विलाय होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और मदर वाली साइड पर जो है बहुत सारी ब्लड स्पेसेस होती है, ठीक है। तो
ऑक्सीजन पहुंचाना, ग्लूकोज पहुंचाना, फूड पहुंचाना, सब काम ये प्लेसेंटा करता है, और वेस्ट मटेरियल निकालने का काम भी ये प्लेसेंटा ही करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर पीरियड्स, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। अब देखो, हर बार तो एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, सोच के देखो, राइट? हर बार स्पर्म प्रेजेंट नहीं होता ना, मतलब क्या हुआ कि एग तो भाई हर मंथ जो है वो फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा कि कब स्पर्म आएगा, कब फर्टिलाइज करेगा, कब स्पर्म आएगा, कब फर्टिलाइज करेगा, लेकिन हर मंथ ऑफकोर्स स्पर्म नहीं आता, हर बार थोड़ी स्पर्म आता है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो एग है वो थोड़ी टाइम वेट करेगा, उसके बाद में वो एग जो है वो होप छोड़ देगा, है ना? और यही होता है पीरियड्स के अंदर। ध्यान से पढ़ो क्या होता है। When a girl is born, her ovaries contain thousands of immature eggs which are contained in immature follicles, है ना? When a girl reaches puberty, then one follicle develops at a time to form mature egg, है ना? On maturing, it bursts and egg shoots out of ovary. The release of egg from an ovary is called ovulation. Egg का release होना ovary में से is called ovulation. ठीक है? Very good. It plays on a 14th day of beginning of menstrual cycle. Before every ovulation, inner lining of uterus becomes thick and soft with a lot of blood vessels. देखो, basically क्या है? हर month ओवरी जो है वो एग रिलीज कर रही है, ओव्यूलेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पर्म आएगा, तो सारी प्रिपरेशन वैसी की जाती है कि भाई स्पर्म आएगा और एग को फ्यूज करेगा। इसलिए देखो, यूट्रस की लाइनिंग भी थिकन हो जाती है और वहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी सप्लाई हो जाती है। ठीक है, हर मंथ ऐसे ही होता है, लेकिन हर मंथ क्या होता है, हर मंथ स्पर्म नहीं आता। इसलिए देखो क्या हो रहा है कि अब देखो, दो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, देन द यूट्रस हैज टू कीप दिस फर्टिलाइज्ड एग फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड सप्लाई इट विद फूड एंड ऑक्सीजन। अगर स्पर्म आ जाता है तो क्या होगा, तो वो फ्यूज कर जाएगा एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में फिर जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, फिर बीबी बनेगा, है ना? ग्रेट। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, उस केस में क्या होगा? पहली बात तो एग वेट कर रहा था, है ना, वो रप्चर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो भी यूटरस ने प्रिपरेशन करने की थी वो उसकी इनर लाइनिंग थिकन हो चुकी थी, ठीक है, और बहुत सारी ब्लड वेसल्स थी, तो क्या होगा, ये सब कुछ ब्लड के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप हमेशा के लिए दो प्रिपरेशन रख नहीं सकते ना, राइट? वो प्रिपरेशन थोड़े टाइम के लिए रहती है कि भाई अपना स्पर्म आएगा, एग के साथ में फ्यूज होगा, लेकिन वो आता ही नहीं, राइट? तो क्या होगा कि एग भी रप्चर हो जाएगा, उसके बाद में फिर क्या होता है कि तो बोल सकते हो कि जो यूटरस होता है ना, जो यूटरस की जो थिक लाइनिंग, जो लाइनिंग होती है, वो भी उसके फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में, है ना? सो सब कुछ ब्लड के फॉर्म में बेसिकली बाहर आ जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वजाइनल ब्लीडिंग, और इसी को पीरियड्स कहा जाता है, यही होता है पीरियड्स। समझ रहे हो बात को? तो हर मंथ तुम कह सकते हो कि ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई स्पर्म आएगा, लेकिन स्पर्म नहीं आता, जिसके कारण एग रप्चर हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा कि जो इनर लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, और सब कुछ ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूटरस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स। जब एग, जब स्पर्म आएगा तब तो वो फर्टिलाइज कर देगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर तो स्पर्म प्रेजेंट होता ही नहीं है, राइट? इसलिए हर बार जो है वो पीरियड्स के फॉर्म में क्या होगा, ये सब निकल जाएगा। मेंस्ट्रुएशन अकर्स इफ एन एग रिलीज बाय ओवरी डज नॉट, इज नॉट फर्टिलाइज्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को? अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग अवेयरनेस के बारे में जानते हैं कि इट इज वेरी मैंडेटरी that people should have this reproductive health वाला सारा का सारा ज्ञान, है ना? क्योंकि ये लोगों के पास में नहीं होता, ठीक है, ये लोगों के पास में होता ही नहीं। ओके जी, वेरी गुड। सो इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो कुछ भी है ना, ये मतलब ऐसा है कि इट शुड बी इन अ वेरी, इसको मतलब कैसे फ्रेम किया जा सकता है, नथिंग हैज टू बी फोर्सफुल। ओके, पीपल शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑन द फॉलोइंग। लोगों के पास में एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, बर्थ कंट्रोल पर नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या क्या होते हैं। ओके, ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एसटीडीज की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता एसटीडीज क्या होते हैं। एसटीडीज मतलब ऐसे डिजीजेज जो कि आप कह सकते हो कि सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम पर स्प्रेड होते हैं, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं। ठीक है, ओके जी, दो टाइप के हम लोग देखते हैं, बैक्टीरियल और वायरल। बैक्टीरियल मतलब गनोरिया और साइफिलिस, और वायरल के अंदर आते हैं एचआईवी, वाट्स। ओके, ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड मतलब क्या, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
सो एनी मेथड दैट इज यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन मेथड. ओके जी, मतलब क्या, मतलब बेसिकली एग को स्पर्म से ना मिलाना, अगर नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं. ओके जी, ग्रेट. तीन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, बैरियर मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स. ओके जी, ग्रेट. बैरियर मेथड मतलब क्या, एक तरीके से एक बैरियर लगा दे रहे हैं हम स्पर्म और एग के बीच में, ताकि स्पर्म और एग फ्यूज ही ना हो पाए. ठीक है, ग्रेट. सो बैरियर मेथड्स आर द फिजिकल डिवाइसेस दैट प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय इनहिबिटिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. मतलब क्या होता है ना कि जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, वजाइना है ना, ये स्पर्म उसमें एंटर ही नहीं कर पाते. अब एंटर नहीं कर पाएंगे तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ट्रैवल नहीं कर पाएंगे तो एग तक पहुंच नहीं पाएंगे. ओके, आवाज तो आ रही है ना सही से? हेलो 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 भाई, माइक से चल तो रहा है. हाँ ठीक, ओके. एग्जांपल में आते हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स, ये सभी क्या है, बैरियर मेथड्स है. क्यों? क्योंकि ये स्पर्म की एंट्री को रोक रहे हैं, स्पर्म को एंटर नहीं होने दे रहे, है ना. स्पर्म को मतलब एक तरीके से वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाने ही नहीं दे रहे. फिर आते हैं केमिकल मेथड्स. ये जनरली मैं बोल सकता हूँ कि फीमेल के केस में ज़्यादा वैलिड होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स एनी हार्मोनल प्रिपरेशन दैट सर्व्स टू ऑल्टर द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट एग मैच्योरेशन. मतलब ऐसे हार्मोनल चेंजेस हो जाना बॉडी के अंदर केमिकल मेथड के कारण, जिससे कि एग का मैच्योरेशन ही ना हो, ठीक है, एग जो है वो बेसिकली ग्रो ही ना हो पाए, है ना, फर्टिलाइजेशन ही ना हो उसका, मतलब उसका फर्टिलाइजेशन ही ना हो, उसका मैच्योरेशन ही ना हो. ओके, उस केस में उस मेथड को कहा जाता है केमिकल मेथड. फॉर एग्जांपल ओरल पिल्स, वजाइनल पिल्स, ये सभी क्या करते हैं, बेसिकली हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो एग है वो मैच्योर ना हो पाए. ठीक है, वेरी गुड. फिर हम बात करते हैं, ये देखो बेसिकली क्या है, कॉपर्टी है, इट इज प्लेस्ड इन यूटरस लाइक दिस टू अवॉइड प्रेगनेंसी, है ना. ठीक है जी, फिर बात करते हैं वैसेक्टॉमी की और ट्यूबेक्टॉमी की. ये बेसिकली एक तरीके से कहा जा सकता है कि सर्जिकल मेथड्स है. ये कैसे मेथड्स है, दीज आर सर्जिकल मेथड्स, है ना. वैसेक्टॉमी होता है मेल्स में, कैसे याद रख सकते हैं, वैस मतलब वास डिफरेंस, है ना, और ट्यूबेक्टॉमी मतलब होता है फीमेल में, ट्यूबेक्टॉमी मतलब फेलोपियन ट्यूब. ठीक है जी, वेरी गुड. सो इन मेल्स वास डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर. नसबंदी इसको कहा जाता है, नसबंदी यही है, यही नसबंदी है, ना. वास डिफरेंस को क्या किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर. स्पर्म ट्रांसफर को प्रिवेंट करने के लिए वैसेक्टॉमी होती है ना. और फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर. मतलब एग ट्रांसफर हो ही ना, ठीक है, एग ट्रांसफर हो ही ना, ठीक है. तो फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर. ओके, ग्रेट, शानदार. विद दैट बीइंग सेड, हम लोगों ने जीत पा ली है ओवर बायोलॉजी. मेरी देखो तबियत थोड़ी सी खराब हो रही है, क्योंकि मैं कल परसों तबियत खराब है मेरी. बायोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने जीत पा ली. अब इसके बाद मैं तुमको कुछ चीज़ें बोलूँगा जो खुद से करनी है. पहली बात, नोट्स पढ़ने हैं. दूसरी बात, PYQs करने हैं. तीसरी बात, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना, याद से कर लेना. ओके, एंड चौथी चीज़ मैं बोलूँगा कि DNA कॉपिंग के ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा, उसकी चिंता तुम मत कर लो. बहुत छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा, शॉर्ट डाल दूंगा DNA कॉपिंग पर, तुम वो देख सकते हो, है ना. हम लोग वो DNA कॉपिंग उससे कर लेंगे. अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, मुझे नीचे चैट में कमेंट करके जरूर बताना कि देखो बायोलॉजी तो अपना हो चुका है, ठीक है, अपना बायोलॉजी पूरा हो चुका है. अब तुम मुझे बताओ, ऑफ कोर्स तुम बोलोगे कि भैया पहले हम लोग साइंस कर लेते हैं, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि साइंस में तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. प्लीज मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग एंड करते हैं. तुम लोग अब सेल्फ स्टडी करना, ठीक है, अब सेल्फ स्टडी का समय है. जल्दी जल्दी बताओ, अरे मुझे एक बात बताओ, आर एनवायरनमेंट तुम कह रहे हो, मुझे पता है, ठीक है, पढ़ाना चाहिए, मुझे बिल्कुल पता है, पर आर एनवायरनमेंट पढ़ने लायक चैप्टर है क्या? मतलब ठीक है, तुम बोलोगे भैया आपने बायोलॉजी की मैराथन कराई तो इसमें तो आर एनवायरनमेंट कराना चाहिए, बिल्कुल सही बात है. मैं तुमको बताऊँ आर एनवायरनमेंट कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है. 10 मिनट निकालो अपने जीवन के, सबसे पहले पढ़ो कि इकोसिस्टम क्या होता है, फिर पढ़ो कि फूड चेन क्या होता है, फिर पढ़ो कि फूड वेब क्या होता है, फिर पढ़ो कि ओजोन क्या होता है, और लास्ट में पढ़ो वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है. मैं बताऊं, बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, मैं बता दूं कितना टाइम लगता है इसमें. वेस्ट मैनेजमेंट में लगता है 2 मिनट, ओजोन में लगते हैं 5 मिनट, फूड वेब और फूड चेन में लगते हैं 10 मिनट, और इकोसिस्टम में लगते हैं 5 मिनट.
ठीक है। मैं तो बोलूंगा वेस्ट मैनेजमेंट तुमको पता है ऑलरेडी, है ना, कि दो टाइप की वेस्ट होती हैं, ओजोन 5 मिनट लगेंगे, ये दोनों मिला के 10 मिनट भी नहीं लग रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 5 मिनट लगेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है 5 मिनट लगेंगे। और फिर आखिरी में आता है इकोसिस्टम, है ना, बेहद इजी चैप्टर है, बेहद इजी चैप्टर है। मैं तो तुमको इनफैक्ट बताऊ ये ना, मैं तुमको एक शॉर्ट के अंदर भी समझा सकता हूं, इतना छोटा चैप्टर है ये, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो मुझे तुम प्लीज कॉमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जल्दी से प्रॉब्लम बता दो फटाफट से, फिर हम लोग इसको एंड करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल 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 बाबरा बाबरा बाबरा। हाय हर्षित, ये देखो तो, मतलब मैं तुमको, अच्छा न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स परेशान कर रहे हैं ना, आई नो आई नो आई नो आई नो, ठीक है। एक काम करते हैं फिर, मुझे लगता है कि फिजिक्स की पूरी मैराथन करने से अच्छा है, क्योंकि देखो बाकी सब तो ईजी है, बाकी सब अगर तुमको थ्योरी आती है तो फिजिक्स की पूरी न्यूमेरिकल मतलब पूरी मैराथन करने से बेहतर है कि हम न्यूमेरिकल्स की मैराथन करें, तुमको क्या लगता है बताओ, डू यू थिंक, मुझे हाँ या ना में जवाब दो प्लीज, है ना, मतलब पूरी पूरी मैथ थ्योरी तुमको पता है, थ्योरी पढ़ के वापस कोई मतलब नहीं है, थ्योरी तो अगर तुमको आती है तो वो आती रिवाइज कर लोगे, राइट। मेरे हिसाब से पूरी मैराथन से बेहतर है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स पर फोकस करें, बताओ। अब जो भी भाई अपनी मिलके जो भी डिसीजन लेंगे वो अपन डिसीजन लेंगे, है ना, हाँ यस यस, मतलब न्यूमेरिकल से अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका फोटो भी खींच लेंगे अपन बढ़िया सा, और बाप रे बाप, न्यूमेरिकल्स, ठीक है ओके जी, और क्या परेशानी आ रही है, ठीक है, मेनली न्यूमेरिकल्स की परेशानी आ रही है, दूसरा है केमिकल रिएक्शन, है ना। एक काम करता हूं, ये तो सॉल्व करने की चीज है तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ट्राई में बेस्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स की फिर बोले आते हैं। केमिकल रिएक्शंस पर अगर मैं तुमको एक पूरी पीडीएफ बना के दे दूं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है सब पर एक पीडीएफ बना के दे दूं, जैसे जनरली ट्वेल्थ में होता है, ट्वेल्थ के अंदर तुमने देखा होगा जनरली जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक पीडीएफ बना देते हैं, उसके अंदर सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस देते हैं और वो याद कर लेते हैं बच्चे। तुम अगर चाहो ना तो अपन क्या करेंगे कि ये सारी केमिकल रिएक्शन मैं तुमको एक पीडीएफ में बना के दे दूंगा और यहाँ पर दिखा दूंगा फटाफट से कि ये सारी रिएक्शन है और तुम याद कर लोगे ईजिली बहुत, बताओ सही रहेगा। आज आज मैं आज भी प्रिपेयर करूंगा इसको, फिर कल सुबह डाल देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ कंप्लीट केमिस्ट्री मुझे पता है, वो तुमको दिक्कत है, मुझे बस पहले ये बता दो ना, पहले मुझे ये बताओ केमिस्ट्री की बताओ, ये सैनो में मुझे रिएक्शन वो बताओ, तो मैं एक एक करके चलता हूँ फिर। पहला न्यूमेरिकल्स हो गया अपना, दूसरा हो गया केमिकल रिएक्शन, फटाफट से बताओ चलो, है ना। न्यूमेरिकल्स की ले आऊं एक वो शीट दे दूं, सॉरी केमिकल रिएक्शन की, है ना, ठीक है ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की अपनी एक शीट हो जाएगी, ये प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं कर दूंगा, मैं खुद ही कर दूंगा, किसी को कहूंगा नहीं मैं करने के लिए, आई विल डू इट, ओके। हाँ मेक वीडियो पॉसिबल, देखो मैं क्या करूंगा, पीडीएफ तुमको दे दूंगा और एक वीडियो बना दूंगा फटाफट, उसमें समझा दूंगा 5-10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। ठीक है क्लियर, इसमें कार्बन एंड कंपाउंड्स की सबसे मेन रिएक्शंस है वो मैं इंक्लूड करूंगा इसमें, वो मैं तुमको समझा भी दूंगा कैसे याद करनी है, ठीक है। तो अपना पूरा डन है, सेट है, अच्छा जिस किसी को भी, एक मिनट, जिस किसी को भी नोट्स नहीं मिल रहे हैं, जिस किसी को भी नोट्स नहीं मिल रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं टेलीग्राम अपना चैनल जो है वो यहाँ पर पिन कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं अगले 1 से 1.5 घंटे में सारे नोट्स यहाँ पर डलवा दूंगा, मतलब तुमको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब एक तो मैं इसको पिन कैसे करूँ भाई, कहाँ गया, सुन जरा मेरे पास गया ऊपर, एक मिनट, चलो ठीक है, ये रहा अपना टेलीग्राम चैनल, इसके ऊपर मैं सारे जो नोट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, वन पेज नोट्स, अपने नॉर्मल नोट्स सारे यहाँ पर डलवा दूंगा अभी, तो अपना वो हो जाएगा। और अपने अभी कितने 425 हो गए ऑलमोस्ट आई गेस, चलो इसको 425 करके फिर चलते हैं, ठीक है, हो गया 425 तो ओके, ठीक है डन, क्या बात है, ओके जी क्लियर है। तो फिर ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला है न्यूमेरिकल्स, दूसरा है केमिकल रिएक्शंस। न्यूमेरिकल्स के ऊपर अपन एक वीडियो लाने का ट्राई करते हैं, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन जो इसके ऊपर मैं एक शीट बना लूंगा, तो इसके अंदर हम लोग सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो कर लेंगे, एंड मेनली इसके अंदर मैं कार्बन की जरूर से डालूंगा, बिकॉज कार्बन वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस, मजा सा आ गया बिल्कुल, हम लोगों ने फटाफट से बायोलॉजी कर लिया है, ठीक है, और डीएनए कॉपिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ में, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, वर्चुअल झप्पी आग लगा के आएंगे पेपर में, और 2-3 वीडियोस प्लान है साइंस के लिए, वो आएंगे तुम्हारे लिए, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है जी, लव यू ऑल, चलो बाय बाय, टेक केयर, बंद कर देता हूँ मैं इसको, मिलते हैं गाइस, टाटा।